वेल सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा आप सभी को येस और नो ये बताइए गुड मॉर्निंग बेटा तो स्टार्ट करने के पहले कुछ इंस्ट्रक्शन आपको देना चाहूंगा सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ये कि जो भी स्टूडेंट अगर या फर्स्ट टाइम ये लेक्चर जीरो वन पार्ट वन देख रहे हैं फॉर आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स के लिए तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि इस यूट्यूब वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जो है लेक्चर जीरो जीरो भी जरूर देखिएगा और लेक्चर जीरो जीरो में मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दे दी है तो आ, आप यस yes, हम पूरा सिलेबस कैसे करें कवर करेंगे मार्क्स अलोकेशन कैसे होगा पेपर स्ट्रक्चर कैसे होगा और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि आपने सेटअप कैसे करना है आपका लॉगिन कैसे क्रिएट करना है ठीक है चलिए एक कंटिन्यूस क्वेश्चन स्टूडेंट्स के आ रहे हैं और वो ये कि सर जो आपका पुराना आ, सुपर थर्टी फाइव कोर्स आता था वो कोर्स अब रहेगा क्या तो मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि सुपर थर्टी फाइव कोर्स यहाँ जो है ये डिसकंटिन्यू किया गया है और इस बार आईडीटी के दोनों रेगुलर कोर्सेस हैं आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स मैंने कंप्लीटली रीडिजाइन किया हुआ है और हमारा रेगुलर मटेरियल जो मैं इंडिप कोर्स में देता हूं वही रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स में दे रहा हूं इसलिए ओके okay, ये कंप्लीटली बहुत अच्छे से मैं रीडिजाइन कर रहा हूं सुपर थर्टी फाइव कोर्स जो है वो मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया है तो आपके जो क्वेश्चन आ रहे थे मैंने उसका जवाब आपको दे दिया है ठीक है नेक्स्ट uh, जो भी स्टूडेंट मेरे साथ ये लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो हमारी टीम आज से आपको कॉल करेगी आपको पूरी तरह से सभी तरह से हेल्प कर दिया जाएगा डोंट वरी जब तक लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप आपके इसमें इंस्टॉल नहीं होता है तब तक मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू रहूँगा अगले दो तीन सेशंस के मैं कंटिन्यू रहेगा डोंट वरी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे लाइव uh, स्ट्रीमिंग में कौन से सॉफ्टवेयर में सेटअप करना है कैसे करना है वो सभी के लिए आपको हेल्प की जाएगी यानी जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो उसी सॉफ्टवेयर में जो प्लेयर सेटअप आपको दिया हुआ है आपके लॉग में उसी प्लेयर सेटअप में लाइक like ऑप्शन होता है और लाइव से आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो तो अभी हमारा ऑनली यूट्यूब पे है और कोई सॉफ्टवेयर पे नहीं चल रहा है कब कब से सॉफ्टवेयर पे चलेगा मैं आपको बता दूंगा चलिए सो so, दोस्तों यहाँ पे आज हमारा पहला सेशन है आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स का और ये फर्स्ट सेशन जो है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी ऑब्वियसली आपने इंटर लेवल पे पढ़ा होगा या आईपीसी लेवल पे पढ़ा होगा लेकिन पहला चैप्टर एक तरह का आप रिविजन समझ लो ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए और यहां पे हमें अगर एडवांस लेवल पे जाना है तो इसको हमको बेस लेके जाना पड़ेगा ठीक है तो जो भी स्टूडेंट मेरे से कनेक्टेड है एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आईडीटी यानी जीएसटी किसी ने ऑप्शन में तो नहीं छोड़ा था ऑप्शन <laughs> में तो नहीं छोड़ा था ना आपने चलिए तो यहां पे स्टार्ट करते हैं आपको ये जो बुक है कुछ पीडीएफ कॉपीज आपके लॉगिन में दिया गया है अगर यहाँ जैसे बुक डिस्पैच होना चालू हो गया है बुक्स आने को फोर फाइव डेज लगेंगे तब तक आपको आपके लॉगिन में पीडीएफ दी गई है वो पी डी एफ आप प्रिंट आउट ले लो ज़्यादा बेटर है जब तक तो बुक्स नहीं आती है और वो पी डी एफ आप रेफर कर सकते हो ठीक है फिर तो बुक्स आ जाएगी तो आपको फिर यहाँ पे बुक्स में कॉपी कर लेना थोड़ा बहुत दिक्कत जाएगा बुक इस बार आने में थोड़ा बहुत लेट इसलिए हुआ है जो लाइव स्ट्रीमिंग मेरे साथ कर रहा है वो इसलिए क्योंकि मैं अपडेशन कर रहा था और अपडेशन में मॉड्यूल वन जो रेडी हो गया तो वो कोशिश कर रहा था कि सारी अमेंडमेंट्स अभी तक की उसमें कवर हो जाए ठीक है चलिए स्टार्ट करें तो आपको मॉडल वन में जीएसटी में टोटल नाइन चैप्टर्स इस मॉडल में कवर किए हैं ठीक है पहला चैप्टर वन जो है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी जिसमें मोस्टली हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर जीएसटी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे साथ में थोड़ा बहुत ये कोशिश भी करेंगे कि 2017 के पहले किस तरह के किस तरह से अलग अलग लॉस थे और नया लॉ आया और वो जीएसटी और वो कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल रहा उस पर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा आईटीसी मैकेनिज्म अंडर जीएसटी कैसा होगा मैं ये जानता हो कि ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है लेकिन ये इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि यही हमें सब्जेक्ट से फिर से लिंक करवाएगा तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे चैप्टर वन में पढ़ेंगे चैप्टर टू जो हमारा होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चार ऑफ जीएसटी मतलब जीएसटी का लेवी किसके ऊपर है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई थोड़ा कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एडवांस लेवल में पढ़ेंगे आपने पढ़ा हुआ है लेकिन इसको हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे ठीक है और सी आईजीएसटी आई जी एस टी की लेवी किस पर होती है इस पर भी हम बात करेंगे तो चैप्टर टू और चैप्टर थ्री जीएसटी पे है नाउ चैप्टर फोर रिवर्स चार्ज जीएसटी की लाइबिलिटी जो है यहां पे नॉर्मली सप्लायर पे आती है लेकिन कुछ केसेस में ये लाइबिलिटी रिसिपियन पे भी आती है एस यू भी आती है तो कौन से केसेस में रिवर चार्ज लगता है इसको हम डिस्कस करेंगे यहां पे ऑलरेडी आपने जहां तक है ये भी चैप्टर इंटर लेवल पे पढ़ा होगा लेकिन इसको ही हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे कंपोजिशन लेवी कुछ केसेस में आपका टैक्स कंपोजिट किया जाता है स्मॉल परसेंटेज से लगाया जाता है स्पेशली स्मॉल डीलर्स को तो उसका डिटेल डिस्कशन हम कंपोजिशन के लेवी में करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब आप कौन कब गवर्नमेंट को जीएसटी दोगे आपका टीय कब आएगा इसके लिए जो इनवाइस के साथ में देखेंगे जो भी आपने सप्लाई किया उसका वैल्यूएशन कैसे होगा वो हम ये चैप्टर में देखेंगे और वो है वैल्यू ऑफ सप्लाई पेमेंट ऑफ टैक्स टी डी एस एंड टी सी एस ये मॉड्यूल में मोस्टली वो चैप्टर्स है जिसका बेसिक डिस्कशन आपने इंटर लेवल पे कर लिया है अब ये जो हम फाइनल लेवल पे जो करेंगे वो एडवांस लेवल पे डिस्कशन करेंगे सो so, दोस्तों क्या आप रेडी हो एडवांस लेवल पे डिस्कशन करने के लिए येस और नो हाउ इज द जोश बोलिए फटाफट यस <coughs> बेटा yes, uh, यहां जैसे आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और वो जीएसटी है यस ऑब्वियसली रिलेटेड टू टैक्स है लेकिन एक बेसिक डिस्कशन जो है वो बेसिक डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो ये कि सर ये जो टैक्स है Uh, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा आगे बढ़ने के पहले टाइप्स ऑफ टैक्सेस कितने हैं ऑब्वियसली आपका आंसर आएगा कि सर टैक्सेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस है मैं दो मिनट का टाइम दूंगा और आप बेसिक डिफरेंस बताइए डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैं वेट करूंगा आपके डिफरेंस के लिए कोई बता पाएगा डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस यस और नो <laughs> आपका एक आंसर होगा डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी को <laughs> और ये भी आंसर आया सही बात है okay, कि डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हम चैप्टर वन स्टार्ट करने वाले हैं यहां आ जाइए अब देख बेटा हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर वन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिवी ऑफ जीएसटी इस चैप्टर में इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्या बेसिक्स है इस पर बात करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ लिविंग ऑफ टैक्स डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर लिवी ऑफ टैक्सेस प्रिंसिपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है किस तरह से किया जाता है डेफिनेटली इसके ऊपर भी बात करेंगे फिर इसी चैप्टर में हम जीएसटी की की तरफ यहां पे मोड लेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस बात होने के बाद बात क्रेडिट है? है और पुराने क्रेडिट नेक्स्ट हम यहां पर बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी इसके ऊपर बात करेंगे चलिए अब आते हैं यहां पे टैक्स ये तो आपके लिए बहुत बेसिक है यहां पे एक ये मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन है बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कलेक्ट करती है वो गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंसेस एजुकेशन हेल्थ मिनिस्ट्री ओके सो यहाँ पे हेल्थ मिलिट्री डिफेंस वगैरह इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत खर्चा कर रही है जिसके लिए वो टैक्सेस यहाँ पे कलेक्ट करती है बहुत ही बेसिक आपके लिए नाउ टैक्सेस दो टाइप के होते हैं एक होता है डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड इनडायरेक्ट टैक्स दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है आपने इंटर लेवल पे पढ़ा होगा ओके okay, यहाँ पे मैं पहले कह दू ये मेरा पहला सेशन माइड बी ओके लेक्चर टू का फर्स्ट हाफ पार्ट आपको थोड़ा स्लो लगे पर इस स्लो मोड से जरूर जाना है आपको मैं ऐसे एडवांस लेवल पे जीएसटी लेके जाऊंगा ना कि आप भी नहीं सोच पाओगे और आप अपने बॉस को समझाओगे कि यस जीएसटी ऐसा है इस ये क्यों स्लो लग रहा है क्योंकि ये सारी चीजें आप ऑलरेडी इंटर लेवल पे देख चुके हो नाउ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का अगर हम डिफरेंस की बात करें तो मैंने यहां पांच मेजर डिफरेंस लिए है एग्जाम में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है ठीक है डायरेक्ट टैक्स जो है ये इनकम अर्निंग एक्टिविटीज पे लगता है तो इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विसेज लगता है। देखिए डायरेक्ट टैक्स का ऑब्जेक्ट क्या है डायरेक्ट टैक्स का ऑब्जेक्ट है कि आप जो भी कमाओगे वो जो है उसमें से गवर्नमेंट कुछ लेगी इसमें इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए एक गवर्नमेंट का क्लियर ऑब्जेक्ट है डोंट अलाउ एनी टू अक्यूमुलेट द इनकम नहीं तो पूरी इकोनॉमी दो क्लास में डिवाइड हो जाएगी एक रिच क्लास और एक पुअर क्लास

यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स का ऑब्जेक्ट बिजनेस बिजनेस करोगे तो टैक्स लगेगा अदरवाइज नहीं लगेगा बिजनेस गुड्स का हो या सर्विसेज का का हो ओके okay, यहां पे और ये जो नेचर बना बना वो इनडायरेक्ट टैक्स पहला डिफरेंस यहां पे फिर से रिपीट करता हूँ डायरेक्ट दा, टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स यहां पे इनकम अर्निंग एक्टिविटी पे लगता है और इनडायरेक्ट टैक्स ये बिजनेस टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है नौ सेकंड

कमोडिटी टैक्स tax, लगते थे अलग अलग किंग के कंट्रोल में थे अब समझ लो मुझे अपने किंगडम से दूसरे किंगडम में बिजनेस करने जाना है तो ऐसे सिचुएशन में जब मैं अपनी कमोडिटीज लेके जा रहा हूं या अपनी कुछ सर्विसेज वहां देने जा रहा हूं बिजनेस करने जा रहा हूं किसी दूसरे के एरिया में तो मुझे यहां पे उस किंग को गिफ्ट देने पड़ते थे और वो गिफ्ट देने की जो आदत हुई वो कस्टम बन गया वो tradition बन गया आज नो no डाउट okay, इंडिया में बिजनेस करने आ रहा है तो तो उसको भी तो custom duty देनी पड़ती है टेरिटरी टैक्स देना पड़ता है तो ये जो किंग को गिफ्ट देने की आदत पड़ती थी ओके okay, ये लोग क्या करते थे ठीक है आप यहाँ के जो गवर्निंग uh, बॉडी है किंग है इसको हम गिफ्ट तो दे देते हैं लेकिन फिर वो पैसा कैसे वो तो गिफ्ट तो चले गया पैसा कैसे रिकवर करेंगे तो वो पैसा रिकवर किया जाता था प्राइस की कॉस्ट में एड करके यानी यहां पे ओके ठीक है मैंने गिव दिया कुछ दिया प्राइस में ऐड करो और कस्टमर से रिकवर करो तो ये इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर ऐसा नहीं बना कि कोई मेडिटेशन में बैठ गया और उसने कह दिया कि नहीं आज से इनडायरेक्ट टैक्स लगा दो आज से ट्रांसफरेबल टैक्स लगा दो क्या इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे बना नहीं वो बिजनेस के नेचर ने ही ये टैक्स बनाया कि आप अगर बिजनेस करने के लिए किसी और को कुछ दे रहे हो तो वो कॉस्ट में ऐड करो और कस्टमर से रिकवर करो ये ट्रांसफरेबल टैक्स बना जबकि इनकम टैक्स जो है इनकम टैक्स कोई बिजनेस के ऑब्जेक्ट से नहीं लगाया गया आप सैलरी इनकम कमाते हो आप कैपिटल गेन कमाते हो आप प्रॉपर्टी में पैसा कमाते हो तो उस पर भी इनकम टैक्स लगता है पांच हेड आपने देखे इनकम टैक्स का ऑब्जेक्ट ये था <coughs> सॉरी इनकम टैक्स का ऑब्जेक्ट क्या था इनकम टैक्स का ऑब्जेक्ट बस इतना ही था कि अगर आपके तिजोरी में पैसा जमा हो रहा है तो निकालो और पब्लिक में लाओ और इकोनॉमी को बैलेंस करो इसलिए आप तो, आप इनफ मैच्योर लेवल पे हो इसलिए मेरे साथ एग्जांपल इमेजिन भी करो ओके यस ये कोर्स में आपको मेरे साथ चीजें बहुत इमेजिन करनी पड़ेगी ओके अब मैं आप बच्चों जैसा आपको एक-एक पॉइंट बेसिक कांसेप्ट में तो नहीं बताऊंगा हाँ, जो एडवांस लेवल के कंसेप्ट है वहां मेरे पे छोड़ दो हर चार्ट हर पॉइंट आपको बहुत अच्छे से बताओगे और मैं आपको ये भी सजेस्ट करना चाहता हूं कि एक नोटबुक बुक जिसे हम यहाँ पे आप रफ बुक कह सकते हो मैं खिचड़ी बुक कहता हूँ जो जो भी मैं लिखूंगा जो पॉइंट्स मैं लिखूंगा आप मेरे साथ ड्रॉ करो और ये पूरे क्लास में मेरे साथ इन्वॉल्व रहो जितना एक्टिवनेस आपका मेरे साथ होगा उतना यह सब्जेक्ट आपको इजी भी जाएगा और घर पे कम से कम पढ़ने की जरूरत आपको पड़ेगी सो आर यू रेडी फॉर दैट मैं आंसर चाहूंगा बेटा जो भी मेरे से कनेक्टेड है मैं आंसर चलिए बहुत बढ़िया। तो पे जहां तक है एक एग्जाम्पल लो बिजनेस का एग्जाम्पल हैं। आपने सेल किया वन लाख का। आपने सेल किया वन लाख रुपये का वो वन लाख में से आपके जो भी ट्रेडिंग एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट के एक्सपेंसेस चले गए नेट प्रॉफिट बचा बीस हजार रुपए अब ये जो बीस हजार रुपए है ये बीस हजार रुपए पे ध्यान से सुनिएगा ये बीस हजार रुपए पे आप इनकम टैक्स दे रहे हो अब वापस मैं एग्जांपल जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहां पे आते सेल किया आपने एक लाख रुपए का सेल पे पुराना दो के पहले सेल्स टैक्स लगता था आज जीएसटी लगता है तो पूरे एक लाख पे आज जीएसटी का एग्जाम्पल ले लेंगे जबकि हम जीएसटी स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री में आपको बताने वाला पर जस्ट लेते हैं कि आप जो है एक लाख का सेल कर रहे हैं सेल्स टैक्स उसके ऊपर पहले लगता था अब यहां ट्वेल्व परसेंट का टैक्स आपको लग रहा है मतलब एक लाख बारह हजार रुपए में आपने कस्टमर को दिया और बारह रुपए कस्टमर से रिकवर कर लिया अब ये पूरे एक लाख पे आपने गवर्नमेंट को ऑलरेडी बारह हजार रुपए टैक्स दे के रखा हुआ है बारह हजार रुपये टैक्स देकर रखा हुआ है लेकिन अब उसी एक लाख से आपका जब नेट प्रॉफिट बचता है बीस हजार रुपए तो वो बीस हजार रुपए आप इनकम टैक्स भी दे रहे हो अंडर द हेड पीजीबीपी तो आपको एक थॉट आ सकता है कि सर ये डबल टैक्सेशन नहीं हुआ एक थॉट आ सकता है दिमाग में कि डबल टैक्सेशन नहीं हुआ सोचो जरा कि पूरे एक लाख पे मैंने टैक्स दिया था वो ठीक है मैंने दिया गवर्नमेंट को ओके तो, okay, देने के बाद कस्टमर को ट्रांसफर कर भी कर दिया पर टैक्स गवर्नमेंट ने लिया ना वो ट्रांसफरेबल हो मेरे से लिया हो कस्टमर से लिया हो अल्टीमेटली वो सब ठीक है पर एक लाख पे गवर्नमेंट ने टैक्स लिया ना उसी एक लाख का जो प्रॉफिट बचा बीस हजार रुपए उस पर भी गवर्नमेंट इनकम टैक्स ले रही है तो अगर आप फंडामेंटली देखो इसको तो ऐसा लगता है यहां पर फैसले लेवल पे ओके ऐसा आ जाता है कि अरे ये तो डबल टैक्सेशन हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं है दोनों टैक्सेस टोटली अलग है दोनों के ऑब्जेक्ट टोटली अलग है ओके पहला टैक्स ये कमोडिटी टैक्स है आप बिजनेस कर रहे हो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हो आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है और कि आप गवर्नमेंट को दो वो इसलिए ट्रांसफरेबल है और कि बिजनेस करने के लिए लगा इसलिए मैंने कस्टमर से ले लिया लेकिन जहां तक इनकम टैक्स है इनकम टैक्स इवन दो वो एक लाख रुपए में से जो बीस हजार रुपए बचे उस पर ही लग रहा है पर वो आपका तिजोरी टैक्स है प्रॉफिट का टैक्स है गवर्नमेंट कहती है कि भाई एक लिमिट के बाद किसके पास पैसा जमा रहो तो जमा हो रहा हो तो निकालो और पब्लिक में लाओ इसलिए दोनों टैक्सेस से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर दोनों अलग है दोनों को बिल्कुल कंपेयर मत करना दोनों का ऑब्जेक्ट अलग है जहाँ एक बेसिक डिफरेंस आपको बता दू जो आपने ऑलरेडी देखा होगा इनकम टैक्स इयरली इलास होता है अरे इनडायरेक्ट टैक्स तो ट्रांजेक्शन बेस असेस होता है आपने ट्रांजेक्शन किया अभी असेसमेंट करो अभी ट्रांसफर करो ये इसमें ओके okay, यहां पे करंट ईयर होते हैं असेसमेंट ईयर होते हैं यानी फिनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर आपको नेक्स्ट ईयर में पे करना पड़ता है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स में जहां तक देखा जाए तो आपको यहां पे इमिजिएटली ट्रांजेक्शन होते ही लाइबिलिटी आ जाती है वो आपको ड्यू डेट में पे करनी पड़ती है दोनों अलग है इसलिए ओके okay, कोई यहां पे इनकम अगर यहां एग्जम्ट होगी डायरेक्ट टैक्स इसका मतलब ये नहीं कि इनडायरेक्ट टैक्स में भी एग्जम्प्ट होगी क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस में चैरिटेबल इनकम है पर इनडायरेक्ट टैक्स कुछ ही केस में यहां कुछ केस में एग्जम्पन uh, देता है कुछ केस में टैक्स भी लगाता है दोनों के ऑब्जेक्ट टोटली अलग है अभी बेसिक लेवल पे आपको कह देता हूं बिल्कुल कंपेयर नहीं करना दोनों को तो ये नॉन ट्रांसफरेबल टैक्स है आपके तिजोरी का टैक्स है तो ये जो है और यह बिजनेस टैक्स है ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर और एंटायर बर्डन जो लगता है इसके ऊपर अल्टीमेट कंज्यूमर पे लगता है

तो ऐसे सिचुएशन में नहीं बेटा ये आंसर बिल्कुल सही नहीं है ओके okay, आपका जैसा आपका आंसर ये भी आ सकता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूजर देता है नहीं इनडायरेक्ट टैक्स एंड यूजर देता है डायरेक्ट टैक्स तो आप ही देना पड़ेगा यू कैन नॉट ट्रांसफर ओके टू एनी अदर पर्सन नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो मैंने यहां डिफरेंस क्रिएट किया है वो है कि इनका डायरेक्ट टैक्स जो है जब आपके हाथ में इनकम आ जाती है उसके बाद देना पड़ता है जनरल ओके इनकम टैक्स ओके okay, हा अब उसमें ठीक है एडवांस टैक्स हुआ टी डी एस टी सी एस हुआ गवर्नमेंट अपने तरीके यूज करती है पहले ही टैक्स आपसे कलेक्ट करने का पर ठीक है बेसिकली एडवांस टैक्स हो या टी डी एस टीसी वॉट एवर इट मे बी ओके आपके हाथ में मेजर ऑब्जेक्ट देखा जाए तो आपके हाथ में पैसा आने के बाद ही गवर्नमेंट जो है आपसे टैक्स लेती है पर गुड्स और सर्विसेस में नहीं है अगर आपको गुड्स लेना है या सर्विसेस लेना है तो साथ में टैक्स पास ऑन होगा हो सकता है पहले पास ऑन हो जाए ओके okay, तो इफ पेड़ बिफोर गुड्स और सर्विसेज टू टैक्स पेयर उसके बाद में इनकम टैक्स का कलेक्शन सम वॉट डिफिकल्ट पर इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन इजी सर ये डिफरेंस हम क्यों देख रहे हैं कि भाई ओके डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन डिफिकल्ट है आप ऐसा क्यों कह रहे हो आप बेटा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्या हो जाता है इनकम टैक्स में पैसा जेब में आने के बाद ध्यान से सुनिएगा जेब में आने के बाद आप पे करते हो अब जेब में आने के बाद जब आप पे करते हो तो यहां पे एक साइकोलॉजी है ह्यूमन साइकोलॉजी है कि मेहनत मैंने की और कि यहां मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और कि ये चिल्ला रहा आपको समझा रहा हूं मेहनत मैंने की है और पैसा आने के बाद अगर किसी को दिया जाए तो मुश्किल होती है यहां से दो चीजें निकालना बड़ी मुश्किल होती है एक पैसा और दूसरा आपको पता है आप यंग हो ठीक है तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो एक बार पैसा पॉकेट में चले गया तो बहुत मुश्किल है कि जेब से निकालना फिर वो क्या आपने ऑफिस में देखा होगा कमाने वाला घर पे एक होता है रिटर्न भरने वाले दस होते हैं इनकम होते जाती है तो सम डिफिकल्ट है डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना गवर्नमेंट के लिए इसलिए सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट इनकम टैक्स के स्क्रूटिन सबसे ज्यादा इनकम टैक्स की होती है ओके इनकम टैक्स की होती है लेकिन ओके जहां तक हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें दोस्तों तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है रिलेटिवली इजी है मैं ये नहीं कहूंगा कि जीएसटी में फ्रॉड नहीं होता है या इंडायरेक्ट टैक्स में फ्रॉड नहीं होता है पर गवर्नमेंट का कलेक्शन ज्यादा रहता है क्योंकि एक साइकोलॉजी है भाई मैं टैक्स इसलिए दूंगा क्योंकि मुझे क्रेडिट लेना है आईटीसी ने बहुत टैक्स विभाजन कम कर दिया इनडायरेक्ट टैक्स में हम आगे देखेंगे तो अगर यहां पे मैं जो है आईटीसी समझ लो मैं, मेरी साइकोलॉजी क्या है ओके मैं भाई गवर्नमेंट को दूं और पास ऑन क्यों रिस लू कल जाके मैं ओके जा मैं, okay, मैंने अगर टैक्स छुपाया चोरी किया तो मेरा बिजनेस बंद कर देगी गवर्नमेंट और अभी तो गवर्नमेंट जीएसटी में बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रही है धीरे धीरे और वो तो इतना वॉच रख लिया आपके हर ट्रांजेक्शन भी छोड़ेगी नहीं आपको तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर इनडायरेक्ट okay, टैक्स में साइकोलॉजी ये होती है कि पे एंड पास ऑन इसलिए गवर्नमेंट को वो कलेक्शन करना ईजी हो जाता है क्योंकि सप्लायर खुद यहाँ पे सेलर खुद वो देने के लिए रेडी है तो ये कुछ मेन डिफरेंस हमने देखे इन एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल इनकम टैक्स और वेल well टैक्स जो है इसके डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है तो या जीएसटी एक्साइज ड्यूटी कस्टम सेल्स टैक्स सर्विस टैक्स हो गए ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है तो चलिए दोस्तों हमने यहां पे ये डिफरेंस देखा डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस यहां पे एग्जाम की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि फाइनल लेवल पे ये कोई डिफरेंस आपको पूछा जाएगा और जितना मैंने डिस्कशन किया दैट्स इनफ फॉर यू डन ओके बहुत से स्टूडेंट ने यहां डिफरेंस बताया है वेरी गुड चलिए नेक्स्ट फीचर्स ऑफ इंडायरेक्ट एक्सेस चलो फिर से मैं कह दूं कि ये जो फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है यहां पे अगेन कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूं लेकिन यस फाइनल लेवल पे इसपे कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है आपके मटेरियल में मॉडल वन में ये कवर किए हैं हम भी यहां पे देख लेते हैं पहला फीचर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू आपसे एक सवाल है आंसर का वेट करूंगा सवाल यह है कि अगर रेवेन्यू की हम बात करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में तो किसका रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए यस बताइए दोस्तों अगर रेवेन्यू हम बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स का ज्यादा होना चाहिए सर क्या लॉजिक है टैक्स का रेवेन्यू ज्यादा होने की इनडायरेक्ट इंडिया का बच्चा बच्चा पे करता है इवन बेगर भी पे करता है आपका आप मेरा क्लास कर रहे हो हो सकता है आपका पैन ना हो हो सकता है आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फाइल नहीं कर रहे कोई इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं आप यहां पे गवर्नमेंट को क्योंकि आपने कोई इनकम आन ही नहीं किया है कोई प्रॉफिट कमाया नहीं है अभी तो आप पढ़ रहे हो लेकिन बेटा इनडायरेक्ट टैक्स आप पल पल कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो ओके आप सुबह कहीं बाहर चाय पीने जा रहे हो रेस्टोरेंट में जा रहे हो बिस्किट्स ले रहे हो हर मोमेंट पे जब भी आप गुड्स और सर्विसेज बाय कर रहे हो इनडायरेक्ट टैक्स में कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो क्योंकि आपके गुड्स और सर्विस के साथ साथ आपके ऊपर बर्डन पासान हो रहा है गवर्नमेंट बच्चे बच्चे से टैक्स ले रही है एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे ग्रोसरी शॉप में जाएगा और ग्रोसरी शॉप में जाके अगर वो कहेगा कि मुझे यहां चॉकलेट दो जैसे ही वो चॉकलेट लेता है उस चॉकलेट पे भी यहाँ पे जीएसटी पासन होके आएगा एक बेगर एक भिकारी बेगर का पैन आपने कभी नहीं देखा होगा हाँ ये मैं मानता हूं कि भाई बेगर मुंबई के होगे तो हो सकता है वो इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर रहे होंगे ओके okay, बड़े बड़े बेगर है वो लेकिन जहां तक देखा जाए बेगर का पैन आपने नहीं देखा होगा वो तो एग्जाम्शन में रह गए लेकिन जब भी बेगर बिस्किट खरीदता है या कोई गुड्स खरीदता है तो वो भी इनडायरेक्ट टैक्स में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ऑब्वियसली यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा है ओके okay, तो ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है क्योंकि ये कंजम्पशन पे टैक्स है कमोडिटी के साथ टैक्स कमोडिटी और तो सर्विसेज पे ही लगता है इनडायरेक्ट टैक्स ओके इसलिए इसको कमोडिटी टैक्स भी कहा जाता है ओके okay, पहले पुराने इवेंट्स थे कि ये प्रोडक्शन पे लगे परचेस पे लगे सेल्स पे लगे लेकिन अब जीएसटी में ये जो है ओके okay, अब जीएसटी में जहां तक देखा जाए तो ये जो टैक्स है ओके okay, ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज़ है जीएसटी वेरी एक्सलेंट मैकेनिज्म मजा आएगा ओके okay, क्या ऑब्जेक्ट से जीएसटी लाएगा ये पढ़ने में भी आपको मजा आएगा शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ओके आप बर्डन ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर क्योंकि अगेन ये कमोडिटी टैक्स है कॉस्ट ऑफ कमोडिटी में पहले से ऐड किया जा रहा है कोई भी प्रोडेंट बिजनेसमैन अगर वो गवर्निंग बॉडी को कुछ दे रहा है बिजनेस करने के लिए तो वो कॉस्ट में ऐड कर देगा और ये ट्रांसफरेबल टैक्स उसी नेचर का बना हा नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच क्या होता है कि इनकम टैक्स अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स में ऐसा फील आता है कि यार मेरे पॉकेट को पिंच कर रहा है भाई एक लो ओके मैं इनकम कमा रहा हूं आज मेरा बैच चालू हुआ है ओके okay, इमेजिन करो मैंने पांच लाख का इनकम नेट प्रॉफिट मेरे पास बचा मेरे वाइफ को पता चला कि भाई आज बैच चालू है पैसा आया तो उसने कहा ओ जी सुनते हो अब ओजी ओ जी कौन बोलता है ओके okay, यहाँ पे आ, मेरा और मेरे वाइफ का तो वो मुझे विशु कहती है और मैं उसे इशू कहता हूं भाई सर इशू क्यों उसका नाम जो है ओके okay, आपको बता दू यहां पे जहां तक अगर मेरा नाम है ओके okay, विशाल तो उसका नाम है ईशा तो अब ईश्यू ईश्यू चलते रहता है तो भाई वो जैसी बैच चालू हो जाती है वो मेरे पास आ जाती है और कहती है कि मुझे शॉपिंग के लिए ओके यहां पे पचास हजार चाहिए ओके भाई ठीक है डिमांड तो कुछ भी हो सकती है तो ऐसे केस में <laughs> लाइव चल रहा है मैं लाइव हूं लाइव चलो ठीक है यहां पे तो जहां तक देखा जाए तो क्या है कि अब समझ लो मैंने नेट प्रॉफिट पांच लाख रुपए कमाया ठीक है और ये नेट प्रॉफिट जो यहां पे मैंने पांच लाख रुपए कमाया उसमें से फिफ्टी थाउजेंड रुपीज पांच लाख पांच लाख का इनकम टैक्स दिया अज्यूम करो टेन परसेंट तो मेरे पास तो साढ़े चार लाख ही बचा अब उसमें से अगर मैं कुछ प्रॉफिट शेयर कर दूं किसके साथ शेयर कर दूं मेरे वाइफ के साथ भाई शॉपिंग के लिए पचास हजार रुपये दे दिए तो मैं बर्डन पास ऑन नहीं कर सकता अगर ऐसा ही मैं बर्डन पास ऑन करूं कि भाई अभी वाइफ ने मांगे ठीक है फिर मेरे पेरेंट्स ने मांगे उनको दिया और कि बच्चे ने मांगे उनको दिया और सबको मैंने बर्डन पास ऑन देखो पचास हज़ार का इनकम टैक्स दिया और कि बर्डन पास ऑन बर्डन पास ऑन तो वो मुझे घर के बाहर कर देंगे और वो भी कहेंगे बर्डन पास ऑन यहाँ पे सो जहां तक देखा जाए जहां तक देखा जाए तो इनकम टैक्स आपके पॉकेट को पिंच करता है आप किसी को पास ऑन नहीं कर सकते लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है ओके okay, वो ट्रांसफरेबल टैक्स है ओके okay, एक जन पे करता है दूसरे को पास ऑन करता है इसलिए वो डायरेक्टली पिंच नहीं करता है ओके सो टैक्स पे डायरेक्ट पिंच वेल पेइंग द इनकम टैक्स वो डायरेक्टली आपको पिंच नहीं करेगा चलो इस पर हमने बात की नेक्स्ट यस इनडायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन In, okay, को कंट्रोल करने के लिए बहुत काम आता है अब आपका सवाल होगा कि सर ये इंफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कैसे काम में आता है सुनिए okay, मैं बताता हूं यहां पे जो है अभी अभी एक डिस्कशन चालू है करंट सिनारियो में जीएसटी के रेट जो गुड्स के बारह है और अठारह है तो एक मिडल रेट लाओ पंद्रह का ऐसा क्यो? क्यों क्यों गवर्नमेंट सोच रही है ऐसा कैसे होता है कि यहां पे अगर मार्केट में डिमांड बढ़ानी है डिमांड बढ़ानी है ओके तो गवर्नमेंट जीएसटी की रेट कम कर देती है सो दैट प्रोडक्ट की प्राइजेस कम हो गई या कभी कभी इंफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आ, यहां बड़ा, रेट जीएसटी की रेट बढ़ा भी देती है तो जिससे क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स कम ज्यादा करने से डायरेक्ट

मोस्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेस इंडायरेक्ट टैक्स में लेने का गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट होता है इंडिया अब तो इतने नए गुड्स आ रहे हैं इतनी नई नई टाइप की सर्विसेज दी जा रही है और मोस्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इसमें हम कवर करने की कोशिश करते हैं और सप्लाई सप्लाई का डेफिनेशन अगर आपको याद होगा जीएसटी में याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलिए येस और नो नहीं आद आता डोन्ट वरी ओके मैं हूं बैठा ओके okay, आपको किसी बात का टेंशन लेने की जरूरत नहीं मैं बैठा हूं यहां पर तो जहां तक हम बात करें सप्लाई सप्लाई में वो तो कह रहे ऑल टाइप ऑफ सप्लाई वो सेल ट्रांसफर वाटर एक्शन लीज रेंटल डिस्पोजल कुछ भी हो एवरीथिंग ऑल टाइप ऑफ सप्लाई हम कवर कर लेंगे अगर वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा तो बहुत ज्यादा बेस रखा है सारे गुड्स और सारे सर्विसेज ये जीएसटी के स्कोप में लाए हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोमोट सोशल वेलफेयर अब ये सोशल वेलफेयर अब एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए और वो ये कि सर ये सोशल वेलफेयर कैसे प्रमोट गुड्स है अल्कोहल प्रोडक्ट हुआ टोबैको प्रोडक्ट हुआ भाई जिसका कंजम्पशन डोमिनेट करना चाहिए तो यहां गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स का हेल्प करता है ओके यहां गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स का हेल्प करता है ओके तो वो गवर्नमेंट क्या हेल्प करता है और देखो आपको डेफिनेशन कुछ भी नहीं याद आ रहा होगा जीएसटी का ब्लैंक हो गया ना चलेगा मैं बैठा हुआ यहां पर और किसी में जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बस ये बताइएगा वापस अपने डिस्कशन पे आता हूं गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक इंटरेस्ट में सोशल वेलफेयर में अल्कोहल प्रोडक्ट टोबैको प्रोडक्ट सिगरेट्स ऐसे गुड्स जो हार्मफुल है वो गुड्स का यहां पे कंजम्पशन कंज, कम होना चाहिए आप कंजम्पन कैसे कम करेंगे आप कहोगे रिस्ट्रिक्शन डाल दो उसके ऊपर नहीं गवर्नमेंट उल्टा काम करती है गवर्नमेंट ये कहती है करती है कि उसके ऊपर हेवी टैक्सेस डाल देती है हेवी टैक्सेस तो जिसकी ताकत है खरीदने की भाई इतना प्राइस बढ़ा के हेवी टैक्सेस करके कि भी वो पीना ही चाहता है ओके वो कंज्यूम करना ही चाहता है तो करे जिसके जेब में पैसा वह करे पर गवर्नमेंट यहाँ पे उसको डायरेक्ट रिस्ट्रिक्ट ना करते हुए ओके इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है हेवी डाल देती है और उसके वजह से उसका कंजुमशन डोमिनेट करती है इस तरह से ओके सोशल वेलफेयर को भी प्रमोट करती है और लास्ट जो आप यहां पे रिग्रेसिव इन नेचर ओके रिग्रेसिव इन नेचर अब आप ये कहते हो कि भाई इनकम टैक्स जो है आप ये कहते हो इनकम टैक्स और दूसरा ओके इनडायरेक्ट टैक्स ओके इनडायरेक्ट टैक्स आईडीटी इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर है ओके प्रोग्रेसिव इन नेचर है और आईडीटी ये रिग्रेसिव इन नेचर है रिग्रेसिव इन नेचर है सर ऐसा क्यों चलो पहले मैं रीड कर लेता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं जनरली इनडायरेक्ट टैक्स आर रिग्रेसिव इन नेचर द रिच एंड पुअर हैव टू पे सेम रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑन सर्टेन कमोडिटी ऑफ मास कंजन दिस में फर्दर इंक्रीज इनकम डिस्पेरिटीज बिटवीन द रिच एंड पुअर क्लास बताता हूं इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर क्यों है अगर आप देखते हो यहां पे ध्यान से सुनिएगा इनकम टैक्स की आपको सर्टन इनकम पे एग्जाम उसके बाद टेन परसेंट है उसके बाद ट्वेंटी परसेंट है उसके बाद थर्टी परसेंट है, उसके 30 है. Okay, इस तरह से स्लैब दिया है मतलब जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा और आप रिच क्लास में जाओगे वैसा गवर्नमेंट आप पे ज्यादा टैक्स लगाएगी इसलिए एक प्रोग्रेशन में चलता है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जहां तक देखा जाए तो ये रिग्रेसिव नेचर है अब भाई रिग्रेसिव नेचर यानी क्या मतलब क्या इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा नहीं है कि बिस्किट का पैक अगर बेगर खरीद रहा है तो भाई तू बिना जीएसटी के लेके जा और वही अगर मुकेश अंबानी जी खरीद रहे हैं तो नहीं 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 तू हेवी टैक्स दे पांच रुपए का बिस्किट पर तू दो सौ रुपए टैक्स दे ऐसा नहीं है वो बच्चा खरीदे या बेगर खरीदे या फिर कोई रिच क्लास का बंदा खरीदे टैक्स एक जैसा है इसलिए ओके इनडायरेक्ट टैक्स जो है यहां पे अगर पेट्रोल की प्राइजेस आपको जस्ट में बताता तो एक एग्जांपल की पेट्रोल की प्राइजेस दो रुपए से भी बढ़ जाए तो रिच क्लास को नहीं फर्क पड़ेगा उसको तो पेट्रोल की प्राइजेस ही नहीं पता उसको सब्जियों की प्राइजेस नहीं पता उसको तो शक्कर का भाव नहीं पता ओके कोई सेलिब्रिटी से पूछ लो कि क्या शक्कर क्या किलो है उसको कुछ भी नहीं पता दो रुपए से उसको नहीं फर्क पड़ता है अगर दो रुपए बढ़ गया पर वही अगर मिडिल क्लास है लो मिडिल क्लास है या पोअर क्लास है दो रुपए भी बढ़ जाना उसके लिए बड़ी बात है और ये डिस्पेरिटी क्रिएट करता है ओके okay, यहां पे वो एक तरह का बर्डन सब सब पे डालता है वो प्रोग्रेशन में नहीं तो क्या हो जाता है लोअर क्लास जहां तक देखा जाए तो जो लोअर मिडिल क्लास है या जो पोअर क्लास है फिर ये रिग्रेशन क्रिएट करते हैं कि इनको भी उतने में प्राइस पड़ रही है और रिच क्लास को भी उतने में पड़ रही है तो एक तरह की डिस्पैरिटी क्रिएट करता है तो इसके कुछ फीचर्स हमने देखे यहां पे इनडायरेक्ट टैक्सेस के चलिए अब आपका सवाल होगा कि सर एग्जाम के हिसाब से इस डिस्कशन को हमने कितना इंपॉर्टेंस देना एग्जाम के हिसाब से ये डिस्कशन आप प्रायोरिटी सी में रख सकते हैं मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर कोई सवाल पूछा जाएगा तभी आप पढ़ते वक्त ये जो टाइटल्स है ये टाइटल्स के बेस पे आप लिख सकते हो आप इनफ मैच्योर हो ओके इनफ मैच्योर टाइटल के बेस पे पे आप जो है ओके okay, अगर पूछा गया तो लिख सकते हो धन चलिए दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहा है यस और नो यस बताइए चलिए अब हमें डिस्कस करना है टैक्स के बारे में जहां तक मैं आपको यह बता दूं यहां पे अगर हमें जीएसटी ये टैक्स लगाना है या कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स लगाना है तो क्या ऐसा होता है कि मोड़ में आया गवर्नमेंट को और लगा दिया क्या सोचते हो आप क्या ऐसा होता है कि लगा दिया नहीं बेटा कोई भी टैक्स लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी चाहिए यस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब तक कॉन्स्टिट्यूशन से ऑथॉरिटी नहीं मिलती है हम कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम लॉ है आ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक्ट हर लॉ इंडिया में जो भी बनता है उसका सोर्स होता है तो चलिए सबसे पहले यहां पे इंडायरेक्ट टैक्स लगाने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहां दी है इसको समझने की कोशिश करते हैं आर यू रेडी फॉर दैट चलो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये हमारा सुप्रीम लॉ है जो हर लेजिस्लेटिव और जुडिशियल सिस्टम का फाउंडेशन है यहां से ही पूरा सोर्स है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थ्री टायर फेडरल स्ट्रक्चर देता है पावर यूनियन गवर्नमेंट जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट तो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट यानी जिसे हम म्यूनिसपल कॉरपोरेशन कहते हैं तो यहां जो है थ्री टायर फेडरल स्ट्रक्चर पे चलता है तो आज हम जीएसटी लॉ पढ़ रहे हैं या आप इनकम टैक्स पढ़ोगे तो ये टैक्स लगाने का पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे संविधान ने कहा दिया है किस तरह से दिया है इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलो सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो रही है जस्ट मिनट हाँ आपको मैं एक बात बता दूं मैंने ऐसे फाइल ब्रेक ब्रेक में लिया है क्योंकि कंप्लीट पीडीएफ मेरे ये सॉफ्टवेयर में अगर मैं अपलोड कर दूं तो वो जिस तरह से अभी आप प्रॉब्लम देख रहे हो कि वो जूम इन जूम आउट हो जाता है वो उतना लोड नहीं ले सकता पूरा एकदम एक साथ इसलिए मैं सीक्वेंस में ही जाऊँगा पर मैंने ब्रेक ब्रेक करके यहाँ पे फाइल्स ली है ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड बेसिक्स ऑफ लॉ अब ये क्या कहता है टोटल इसमें तीन आर्टिकल्स दी है आर्टिकल 265, 245 और 246 जो टैक्स से रिलेटेड है और हमें यहां पे इसको पढ़ना है और यहां से ऑथोरिटी मिलेगी हमें इंडायरेक्ट टैक्स लगाने की और स्पेशली हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे आर्टिकल 265 कहता है No दूसरा यहां पे एक्सटेंट ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और तीसरा 246 मैटर लॉ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट जो है इनके सब्जेक्ट्स यहां पे दिए हैं चलिए इन आर्टिकल्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं आर्टिकल टू क्या कहता है आर्टिकल टू कहता है नो टैक्स यानी वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी टैक्सेस हो शैल बी लिविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अंडर द ऑथॉरिटी ऑफ लॉ फिर वो ओके यहां डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो मतलब क्या मतलब आपको इंडिया में कोई भी टैक्स लगाना हो कोई भी गवर्निंग बॉडी को फिर वो लोकल बॉडी को लगाना हो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगाना है स्टेट गवर्नमेंट को लगाना है या किसी को भी लगाना है तो सबसे पहले लॉ बनाया जाए उस लॉ से ऑथोरिटी ली जाए और वो ऑथोरिटी लेके वो टैक्स लगाया जाए ऐसे ही कोई नहीं टैक्स लगा दिया कि आज मूड हो गया ओके okay, मूड हो गया चलो लगा दो टैक्स ऐसे नहीं होता ओके okay, तो आर्टिकल 265 सिक्सटी फाइव यहां पर यह बात करता है कि पहले लॉ बना एग्जाम्पल यहां पर ओके okay, हम बात करते एग्जाम्पल लेते रवि रवि जो है यहां इमेजिन करो नेक्स्ट दो मिनट के लिए सुनो नो दो, दो मिनट के लिए इमेजिन करो कि इंडिया में कोई लॉ नहीं है कि लाइक एक्साइज टैक्स या फिर जीएसटी वगैरह कोई नहीं कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है और यहां पे रवि जो है बिजनेस कर रहा है और बिजनेस करने के बाद यहां पर कुछ कमोडिटी और सर्विसेस सप्लाई कर रहा है और एक ऑफिसर आ गया और ऑफिसर ने रवि को कहा कि रवि आप जो है इंडिया में बिजनेस कर रहे हो और कि इंडिया का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हो कमा रहे हो तो पे टैक्स रवि ने कहा क्या विच टैक्स यू आर डिमांडिंग कौन सा टैक्स आप डिमांड कर रहे हो और हु आर यू तो ऑफिसर ने कहा भाई मैं गवर्नमेंट का ऑफिसर हूं गवर्नमेंट का बंदा हूं ओके आपको टैक्स देना है आपको यहां आप बिजनेस कर रहे हो इमेजिन करो कि कोई इंडिया में लॉ नहीं है रवि ने कहा वेट 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 आप मेरे पे टैक्स लगा रहे हो डू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी टू लेवी और कलेक्ट टैक्स फ्रॉम मी भाई हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जो यहां पे संविधान पे है जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको ऑथोरिटी नहीं देता है मेरे से टैक्स कलेक्ट करने का यू कान कलेक्ट द टैक्स हम पब्लिक है पब्लिक आप हमारे से टैक्स बिल्कुल नहीं कलेक्ट कर सकते ओके okay, रवि ने कहा यहां पे सॉरी uh, ऑफिसर ने कहा अरे आप बिजनेस कर रहे हो आप कमा रहे हो ओके okay, हमें भी पैसा चाहिए आप टैक्स दो वेट रवि ने कहा गेट आउट फ्रॉम हियर गेट आउट ऑफिसर की बड़ी इंसल्ट हुई लुट गए लुट गए तेरी मोहब्बत में अगर मिले खुदा तो पूछूंगा खुदाया तो अब ऑफिसर की इतनी इंसल्ट हुई तो ऑफिसर ने यहां पे कसम खा ली कि कसम की कसम कसम से रवि को नहीं छोड़ूगा दिल से बेटा इसको तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं यहां पे। और जहां तक देखा जाए यहां रवि ने कहा गेट आउट टेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथॉरिटी अगर हमारा यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करेगा तो हम पब्लिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं पैसा भी देंगे आपको तो ऑफिसर जो है वो आर्टिकल 265 के पास गया और उसने अब यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है आर्टिकल 265 क्या कहता है उसने कहा आर्टिकल टू को इमेजिन करो सिचुएशन को भाई ओके okay, हम खेल खेल रहे पढ़ना खेल खेल में होना चाहिए लर्न विथ फन मजा आना चाहिए मैं तो आपको यह कहना कहना चाहूंगा कि आप आज जो भी मेरे पास साथ पढ़ोगे अपने आप को अपने टीचर खुद बन जाना मैं बिल्कुल ऐसा ही करता था मैं अपने आप को रूम में बंद कर लेता था, था और भई खेलते रहता था ओके okay, प्रोविजंस के साथ कि ये ये सेक्शन आया फिर ये सेक्शन ने बोला फिर ये आर्टिकल ने बोला फिर इसने क्या बोला जैसे मैं लॉ तो ऐसे पढ़ता था यहाँ पे वो अब, अब मैंने सत्रह साल से लॉ पढ़ा नहीं ना इनकम टैक्स पढ़ा सिर्फ आई पढ़ा लेकिन हाँ मैं ऐसे सेक्शन को पिक्चर में लाता था और इमेजिन करता था कि ये आ गया ओके okay, जैसे अभी आर्टिकल टू आ गया फिर ये सेक्शन आ गया फिर ये ये सेक्शन ने ये पॉइंट उठाया अच्छा हम मीटिंग में बैठे आता है यार, मजा आता है पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि कांड कर दो सब तरफ अपनी डिमांड कर दो <laughs> चलिए तो जहां तक और मैं आपका ऐसे खेल खेल में पढ़ाऊंगा बहुत मजा आएगा आपको तो चलिए बेटा दोस्तों यहां जाते आर्टिकल 265 और कि ये ऑफिसर आर्टिकल 265 के पास चले गया और कहा कि आर्टिकल 265 वो रवि ने मेरी यार ओके वो कहता है प्रोविजन देखो अगर टैक्स लगाने की पावर मिलती है तो मैं लूंगा आर्टिकल टू अच्छा, अच्छा देखो पढ़ने का तरीका मजा आएगा आपको अपने टीचर खुद बनो मैं आपको गाइड कर दूंगा लेकिन बेस्ट टीचर आप अपने हो ठीक है तो यहां तक तो जहां तक देखा जाए तो आर्टिकल टू सिक्सटी फाइव ने कहा भाई रवि का सही है हम बैठे हैं ना हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आपको दे रहे हैं और जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे इंडिया का कोई भी बंदा टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता और आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्स शैल बी और कलेक्टेड एक्सेप्ट अंडर द ऑथोरिटी ऑफ लॉ लॉ बना यार ओके okay, यहां पे लॉ बना और बाद में तू रवि से टैक्स कलेक्ट करने जा क्या इंडिया में लॉ है हमने पहले ही कहा कि आइजूम करोगे इंडिया में कोई लॉ नहीं है तो यस जब तक आप ओके okay, लॉ नहीं बनाते हो जब तक आप लॉ नहीं बनाते हो तब तक आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो चलिए कोई बात नहीं फिर आपका दूसरा क्वेश्चन यहां पे यह होगा और सवाल तो होते हैं सवालों पे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है तो ही आप सब्जेक्ट को समझ सकते हो एक चीज लाइफ में ख्याल रखना हर मोमेंट पे अपने आप से कोई समझाता है कोई करता है वाय इसका साथ मत छोड़ना आप कुछ कर रहे हो तो दो बार पूछो कि मैं क्यों कर रहा हूं वाय इसके आंसर बहुत डीप लेवल पे लो जिंदगी में सक्सेस आपको जरूर मिलेगी कोई आपको कह रहा है तो एक बार पूछो वाह ऐसा क्यों जितनी आदत लगाओगे जिंदगी में आगे बढ़ोगे बहुत सारी चीजें कि सोल्यूशन आपको मिलेंगे विजन बहुत क्लियर हो गए करना क्या है यह आपको पहले से पता होगा और लाइफ में जिसके विजन बहुत क्लियर है वो बहुत आगे बढ़ता है तो यहां पे आ जाइए तो सवाल है कि आर्टिकल 265 ने कह दिया कि लॉ बनाओ तो ही आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो तो फिर लॉ बनाने की पावर किसके पास है क्या, कोई भी लॉ बना सकता है भाई या रवि आ गया ऑफिसर आ गया उसने कहा मैं लॉ बना लूं विशाल सर ने कहा मैं लॉ बना लूं कैसा हो सकता है ना ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर इंडिया में लॉ बनाने की पावर किसके पास है ये जानने की कोशिश करेंगे और यहां पे आते हैं आर्टिकल 245 फोर्टी ल टू फोर्टी फाइव आर्टिकल टू आर्टिकल 245 क्या कहता है ये कहता है, इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक द लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया जहां तक इंडिया से रिलेटेड लॉ बनाना है तो लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट यानी विधानसभा मे मेक अ लॉज फॉर वोल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट अगर स्टेट से रिलेटेड लॉ बनाना है तो वो पावर जो है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के पास है मतलब क्योंकि जैसा मैंने ऑलरेडी कहा है इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है थ्री टायर्ड फेडरल स्ट्रक्चर मतलब तीन गवर्नमेंट अप अपने काम करती है और पूरे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन करती है मेजरली वैसे तो दो ही है सेंट्रल और स्टेट और स्टेट के नीचे पोरेशन जिसे हम लोकल ऑथोरिटी uh, कहते हैं जिसे हम लोकल ऑथॉरिटी कहते हैं देन uh, तो चलिए इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक द लॉ फॉर वोल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मेक द लॉ फॉर वोल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट चलिए अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा और वो ये कि वट इज डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट तो आप कहोगे लोकसभा और विधानसभा फेडरल स्ट्रक्चर है चलिए अब एक स्ट्रक्चर आपको मैं समझाना चाहूंगा मुझे एक डिफरेंस बता, बताओगे आप कि पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है यस yes, वेट करूंगा आपके आंसर की पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है चलिए बेटा तो यहां पे एक आपके नोटबुक में आपको एक चार्ट ड्रॉ करना है और उस चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा चलता है और फिर डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे सो so, चलिए एक नोटबुक लो और ये नोटबुक पे हम यहाँ एक चार्ट बनाएंगे नहीं वैसे मैंने नेक्स्ट पेज पे ब्लैंक स्पेस रखा हुआ है वहां पे भी बनाया तो भी चलेगा नेक्स्ट पेज पे मैंने ब्लैंक्स पे रखा हुआ है वहां पे भी बनाया तो भी चलेगा लिखो एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया जिसमें दो पार्ट करना सेंटर और स्टेट चलिए लिखते जाओ हम अभी सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे स्टेट का बाद में ओके okay, सेंटर और स्टेट जहां तक बात सेंटर की है तो सेंटर में आप यहां पे तीन पार्ट कीजिएगा स्टेट का हम नहीं देखेंगे सेंटर का स्ट्रक्चर में समझा देता हूं आपको क्योंकि मोस्टली हमारा सीजीएसटी है पहला लेजिस्लेटिव ऑर्गन सेकेंड जिसे आप लेजिस्लेटिव भी कह सकते हो ऑर्गन लिखने की जरूरत नहीं लेजिस्लेटिव उसके बाद में एग्जीक्यूटिव और थर्ड जुडिशियरी ये आधार स्तंभ है यहां पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का लेजिस्लेटिव ऑर्गन आप यहां लिख सकते हो लॉ मेकिंग ऑर्गन जो लॉ बनाता है एग्जीक्यूटिव को आप लिख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन जो लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन करता है और जुडिशियरी को आप लिख सकते हो यहां पे जुडिशियल 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 ऑर्गन ठीक है अब एक बार फिर से चार्ट देख लो एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया सेंट्रल लेवल पे जो मैं यहां आपको बता रहा हूं ना लेजिस्लेटिव ऑर्गन में फिर से जो पूरा लॉ मेकिंग ऑर्गन का स्ट्रक्चर होता है एक होता है लोकसभा राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा और पार्लियामेंट कमिटीज़। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मिनट। यहां पे, सॉरी बेटा लेजिस्लेटिव ऑर्गन हमारा जो है सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट है सॉरी सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट है और हु इज द हेड ऑफ पार्लियामेंट कोई बताएगा पार्लियामेंट ठीक है द हेड ऑफ पार्लियामेंट कोई बताएगा प्राइम मिनिस्टर स्पीकर हेड ऑफ पार्लियामेंट कौन तो यस बेटा वो हमारे होते हैं प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ पार्लियामेंट ये आपका इंटर लेवल पे हुआ होगा मैं फिर से कह रहा हूं मैं बार बार आप नहीं कहूंगा यहां पे हमें ये जो है जहां तक है ये सब बेसिक को लेके ही हमें आगे बढ़ना है तो हेड ऑफ पार्लियामेंट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पीकर नहीं स्पीकर इज एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ठीक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाउ दिस पार्लियामेंट कॉम्प्राइजेस टू हाउसेस एंड वन कमिटी टू हाउसेस कौन से लोकसभा राज्यसभा एंड पार्लियामेंट कमिटीज पार्लियामेंट कमिटीज ये तो हुआ लॉ मेकिंग ऑर्गन और आपको यह पता होता है कि लोकसभा के मेंबर इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया राज्यसभा के मेंबर ये इलेक्शन से नहीं आते ये स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल पे अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजती है मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट है जैसे पंजाब में आप है दिल्ली में आप है कहीं बीजेपी है जैसे यूपी में बीजेपी एमपी में बीजेपी है जहां कांग्रेस है तो ये अपने रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल लेवल पे भेजती है जो राज्यसभा मेंबर होते हैं क्योंकि जो भी डिसीजन सेंट्रल लेवल पर किया जा रहा है वो स्टेट को भी अफेक्ट करेगा इसलिए राज्यसभा के मेंबर स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं और पार्लियामेंट कमिटीज जिसमें कमेटी में, में पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है जनरली जो अपोजिशन में होता है ओके वो पार्लियामेंट कैटी जाता है जैसे अभी गवर्निंग बॉडी है बीजेपी तो अपोजिशन में कांग्रेस है या मिलकर बहुत सारी पार्टीज मिलकर अपोजिशन में खड़ी हुई है तो वो पार्ट होती है पार्लियामेंट कमेटी का तो लॉ यहां बनते हैं लेजिस्लेटिव ऑर्गन पार्लियामेंट में सेंट्रल लेवल पे अब जो भी सेंट्रल लेवल पे लॉ बनता है उसका एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है ठीक है तो यहां पे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में आ जाओ फटाफट और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके पास मोर देन फिफ्टी परसेंट वोटिंग है इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा हु इज द हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ओके तो हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे एक डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मुझे उससे कंसर्न है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जिसके हेड होते हैं कौन फाइनेंस मिनिस्टर ओके हमारी दीदी ठीक है फाइनेंस मिनिस्टर जिसके हेड होते हैं और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिसे आप कहते हो और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दो बोर्ड बनाए जाते हैं कौन से दो बोर्ड एक होता है सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा होता है सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ओके okay, तो यहां पे पहले इसका नाम सीबीसी था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स अब इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम तो आपको लिखना है तो लिख सकते हो सीबीडीटी वगैरह तो पता है ओके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं नौ ये बोर्ड पूरा इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कस्टम्स का एडमिनिस्ट्रेशन करता है जितने भी यहां पे जीएसटी या फिर कस्टम डिपार्टमेंट हो गए इंडिया में कस्टम डिपार्टमेंट हो गए ये बोर्ड के अंदर काम करता है और इस सीबीडी के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करता है यहां पूरे प्रॉपर ऑफिसर जहां तक देखा जाए तो यहां जितने भी ऑफर जिसे मैं नाम दूंगा प्रॉपर ऑफिसर्स ऑफिसर्स की हिरार की होती है और ये प्रॉपर ऑफिसर्स की हिरार की हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे प्रिंसिपल कमिश्नर या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर चीफ कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर उसके बाद में कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर डेप्यूटी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर उसके सॉरी एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर ओके और इंस्पेक्टर ये पूरी हिरार की ऑफिसर्स के इसके अंडर काम करती है सी के अंडर पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है थोड़ा मैं आपको यह समझाना चाहूंगा ओके okay, देखिए कोई भी लॉ यहां पे आप मेरे साथ ये चार्ट में लिख रहे हो वो स्पीड आपको रखना पड़ेगा दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है ठीक है तो कोई भी लॉ जो पास होता है इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट मोर देन फिफ्टी परसेंट वोटिंग अब समझ लो जीएसटी लॉ है सीजीएसटी एक्ट है ये इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट पास हो गया प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया वो एक्ट बन गया पहले होता है बिल जैसे आपने कभी सुना होगा फाइनेंस बिल होता है ओके बिल यानी प्रपोजल होते हैं जो बिफोर हाउस ऑफ पार्लियामेंट रखे जाते हैं और उस उस प्रपोजल उस पे इकोनॉमिकल लॉ होगा तो मोर देन फिफ्टी परसेंट वोटिंग स्पेशली इन लोकसभा इकोनॉमिकल लॉ लोकसभा में ही डिस्कस होते हैं तो मोर देन फिफ्टी परसेंट वोटिंग लेके वो एक्ट पास हो जाता है और यहाँ पे वो एक्ट पास होने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर लेते हैं मतलब उसमें रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेदारी सही तरह से रेवेन्यू कलेक्शन हो कोई रेवेन्यू लीकेज ना हो पूरी जिम्मेदारी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है अंडर प्राइम मिनिस्टर कौन सा डिपार्टमेंट उसके लिए अकाउंटेबल होता है तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ओके जिसके हेड होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर लेकिन अब कलेक्शन की जिम्मेदारी यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर के तो पास है वो लॉ जो पास वहां हुआ है लेकिन यू नेवर सीन की फाइनेंस मिनिस्टर घर घर पे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आज, आज आपका इतना टैक्स हो गया आज, आज आपका इतना टैक्स होगा चलो पे करो नहीं फाइनेंस मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए दो बोर्ड होते हैं एक होता है सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा होता है सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स चलिए अब यहां पर सीबीआईसी जो है सीबीआईसी के नीचे पूरे इंडिया के जीएसटी डिपार्टमेंट या कस्टम्स डिपार्टमेंट होते हैं जितने भी डिपार्टमेंट है और पूरी हिरार की प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर से लेके तो इंस्पेक्टर तक सारे ऑफिसर्स इनके अंडर में काम करते हैं तो आपके यहां फैक्ट्री में शॉप में ऑफिस में स्क्रूटिनी करने फील्ड ऑफिसर्स आते जैसे ओके कुछ लिमिट तक यानी समझ लो यहाँ पे अमाउंट अगर 20 लाख होगी 5 लाख होगा तो असिस्टेंट कमिश्नर डेप्यूटी कमिश्नर आएगा उसके ऊपर होगा तो कमिश्नर आएगा स्क्रूटिनी के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए असेसमेंट के लिए वॉट एवर इट में बी सो नाउ पूरी हिरारकी ऐसी होती है कि यहाँ पे इंस्पेक्टर्स आर अकाउंटेबल टू ए असिस्टेंट कमिश्नर डेप्यूटी कमिश्नर असिस्टेंट डेप्यूटी कमिश्नर्स उनके वर्क के लिए अकाउंटेबल टू यहां पे एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर अकाउंटेबल टू कमिश्नर कमिश्नर अकाउंटेबल टू चीफ कमिश्नर इंडिया okay, के सारी चीफ कमिश्नर अकाउंटेबल टू सी फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन कि पूरा रेवेन्यू कलेक्शन कैसे चल रहा है जो टारगेटेड है वैसा मिल रहा है क्या क्या कहीं रेवेन्यू लीकेज तो नहीं हो रहा है कहीं फ्रॉड तो नहीं होगा ओके okay, तो ये सब जो है चीफ कमिश्नर अकाउंटेबल इंडिया के सारे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर अकाउंटेबल टू सी सीबीआईसी अकाउंटेबल टू फाइनाटेबल टू प्राइम मिनिस्टर एंड नो प्राइम मिनिस्टर इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कि आपने जो लॉ पास किया जो रेवेन्यू कलेक्शन का लॉ पास किया हम उसका एडमिनिस्ट्रेशन सही, सही सही ढंग से कर रहे हैं अगर सही ढंग से नहीं कर रहे तो यहां पर जो अपोजिशन में बैठे वो कह सकते हैं कि वी वॉन्ट रेगिग्नेशन ऑफ फाइनांस मिनिस्टर एक्सेट्रा पूरी हिरार की ऐसे चलती है ओके यहां हमारे अगेंस्ट में जो एक्शन लेने आते हैं वो ऑफिसर आते हैं वो हम आगे देखेंगे तो ये था जहां तक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन लेकिन बहुत सी बार क्या हो जाता है कि भाई लॉ बना और लॉ एग्जीक्यूट हुआ इसमें कभी कभी बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आते हैं लॉ बहुत सी बार क्लियर नहीं होता है ध्यान से सुनिएगा लॉ बहुत सी बार क्लियर नहीं होता है अलग अलग इंटरप्रिटेशन होते हैं डिपार्टमेंट अपना इंटरप्रिटेशन लेता है क्योंकि उसका तो उनका तो ऑब्जेक्ट होता है रेवेन्यू कलेक्शन दैट्स ऑल ओके अपना उसका इंटरप्रिटेशन लेता है और अगर एक ही चीज के दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन है दो अलग अलग ढंग से सोचा जाता है है इज इज राइट तब पिक्चर में आता जुडिशियल ऑर्गन जहां लॉ एम्बिग्यूस हो जहां क्लियर ना हो अलग अलग इंटरप्रिटेशन को यहां पे इट्स लीड टू तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन तो वो सिचुएशन में जुडिशियल ऑर्गन पिक्चर में आता है एक केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा बड़ा मजेदार केस स्टडी है केस स्टडी कंपनी का ओके okay, आपने मेरे पास इंटर का क्लास किया होगा तो मैंने बताया था आपको ओके okay, चलो फिर से बता देता हूं ऑर्पेड okay, कंपनी का केस स्टडी था अब ये ऑरपेड कंपनी का केस स्टडी जो है इसमें हुआ क्या था ध्यान से सुनिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कैलकुलेटर बना रहे थे एक नॉर्मल अपना जो ये कैलकुलेटर है ओके okay, ये कैलकुलेटर या इससे छोटे कैलकुलेटर बना रहे थे ऑर्पेट कंपनी और एक बिग कैलकुलेटर बिग कैलकुलेटर हमारे जो रजिस्टर है ऐसा समझ लो इतने साइज का कैलकुलेटर बिग कैलकुलेटर बना रहे थे स्मॉल कैलकुलेटर बना रहे थे और एक बड़ा कैलकुलेटर बना रहे थे अब यहां पर एक्साइज टैरिफ में जो रेट था एक्साइज पे करने के लिए वो रेट कुछ ऐसा था कि पॉकेट कैलकुलेटर होगा तो फाइव परसेंट और अदर्स होगा तो टेन परसेंट अब ऑर्पेड कंपनी ने क्या किया ऑरपेड कंपनी ने यहां पे पॉकेट कैलकुलेटर जितने भी बेचे उस पर पांच परसेंट का तो एक्साइज दिया लेकिन जो बड़े कैलकुलेटर उन्होंने बनाए वो बड़े कैलकुलेटर पर भी यहां पर उन्होंने पांच परसेंट का एक्साइज दिया जबकि वो पॉकेट कैलकुलेटर नहीं थे लेकिन पांच परसेंट का एक्साइज दिया टैरिफ में यह लिखा था कि पॉकेट कैलकुलेटर फाइव परसेंट और अदर्स टेन परसेंट ध्यान सुनिएगा अदर्स टेन परसेंट नहीं हो गई एक्साइज ऑफिसर आ गए रेड हो गई ओके सब फाइल्स देखी गई सेल्स देखी गई ओके और देखा गया कि ये बड़े कैलकुलेटर भी फाइव परसेंट के एक्साइज में डाल रहे हैं जबकि यहां पर यह टेन परसेंट में आता है अब ऑफिसर ने कहा वो जो मैनेजर था अकाउंट हेड था ये क्या है ये तो दस परसेंट में जाएंगे उसने कहा नहीं सर ये भी तो कैलकुलेटर पॉकेट कैलकुलेटर फाइव परसेंट में जाएंगे ऑफिसर नहीं माना ऑफिसर ने कहा कि नहीं 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 आई एम नॉट एग्री विथ यू ओके ऑफिसर ने दे दी शो कॉज नोटिस शो कॉज हां ये इंडिया में अच्छी बात है जब भी कोई एक्शन लेना हो उसके पहले एक नोटिस आती है अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड जिसे हम शो कॉज नोटिस कहते हैं तो ऑफिसर ने यहां पे शो कॉज नोटिस दे दिया और ऑफिसर ने कहा कि शो कॉज कि ये जो आपने बड़े कैलकुलेटर बेचे हम इसका रेट फाइव टू टेन परसेंट क्यों ना करें शो कॉज आपने फ्रॉड किया इसलिए आपके ऊपर पेनाल्टी क्यों ना लगाए शो कॉज की पिछले पांच साल और जीएसटी में तो अभी छह साल है तो पिछले यहां पर पांच छह साल में आपने जो भी टैक्स कम पे किया उसका इंटरेस्ट क्यों ना लगाए शो sure कॉज हम ये क्यों ना समझे कि आपने गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड किया है इसलिए ये जो सारे गुड्स है इसको कॉन्फिस्केट कर ले जब्त क्यों ना कर ले शो sure कॉज आपको अरेस्ट क्यों ना करे आपको आपके ऊपर अरेस्ट फाइन क्यों ना लगाए एक बात कह देता हूं इंडिया में फ्रॉड करना पाप नहीं है पकड़े जाना फ्रॉड है पकड़े जाना पाप है क्योंकि आप पकड़े गए जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल एक आर ने आपको पकड़ लिया रास्ते में और रास्ते में पकड़ने के बाद ओके वो जो है वो फिर आपको सभी मांगता है पकड़े गए तो फिर पीयूसी बतान तो लाइसेंस बतान ये बतान ये वो बता सभी आपको ओपन कर देता है यहां पे वही है यहां पे अगर आप पकड़े गए तो फिर दूल्हे के साथ पूरी बारात आती है दूल्हा होता है टैक्स बारात होता है इंटरेस्ट पेनोल्टी फाइन सब यानी आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा ओके okay, उसके साथ पेनल्टी भी क्यों इंटरेस्ट भी हो फाइन भी गियो गुड्स भी घो और मैं भी क्यों अरेस्ट हो जाओगे आप अरेस्ट हो जाओगे तो ऐसे सिचुएशन में ऑर्फेड कंपनी पे दिया नोटिस उन्होंने पिछले पांच साल का एक्साइज उसका हंड्रेड परसेंट पेनोल्टी इसलिए तो लोगों को गवर्नमेंट डराती कैसे एक दो केसेस ऐसे लगा देती है और उसका इतना न्यूज डाल देती है कि सब लोग डर जाते बाबा कौन कितनी इतनी देगा दुकान बंद हो जाएगी पूरी कौन ये देगा तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो ऑर्पेड कंपनी के अगेंस्ट में ये नोटिस दिया चालीस पचास करोड़ की पेनॉल्टी इंटरेस्ट सब लगा के ऑर्पेड कंपनी का डायरेक्टर डर गया ओके वो आया मेरे पास आया ऐसा so, मेरे पास है ना एग्जाम्पल लेते कंसल्टेंट है एग्जाम्पल अभी लेते मैं ओके तो भाई मैं बैठा हो और वो डायरेक्टर बैठा है तो इमेजिन करो कि यस मैंने कहा क्या हुआ तो उसने मेरे हाथ में नोटिस दे दी उसने कहा कि सर ये देखिए यहां पे ये नोटिस आई है एग्जाम्पल नोटिस आई है इन्होंने इतना सारा यहां पर पे पेनॉल्टी वेनोल्टी लगा दिया इंटरेस्ट लगा दिया आप क्या करें सर नोटिस का मेन इशू ये था कि जो बड़े कैलकुलेटर है उसको टेन परसेंट में क्लासिफाई क्यों ना करें वो अदर में क्यों ना डाले वो पॉकेट में जा नहीं सकते मैंने डायरेक्टर मैंने केस पढ़ी मुझे लगता है कि हम लड़ सकते लड़ सकते तो मैंने डायरेक्टर को कहा कि भाई मैं ट्राई करूंगा कोशिश करूंगा पचास चालीस पचास करोड़ का नोटिस है आपके अगेंस्ट में कोशिश करूंगा डायरेक्टर ने कहा सर देखो कैसे भी बचा लो यार ओके आपको ब्लैंक चेक देता हूँ मैंने ठीक है ठीक है रख दो बाजू में ठीक है तो आपको ब्लैंक चाहिए तो रख दो में अब देखो यहाँ पे मैंने कहा चलो एक काम करते कल मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए जाता हूँ हमको शो कॉज पूछ रहे ना का, रहे ना कारण बताओ पूछ रहे हम बताएंगे कि हम सही है वो हमारा गुड्स फाइव परसेंट में जाता है नेक्स्ट डे मैं ऑफिसर से मिलने वाला था पर मैंने डायरेक्टर को कहा मुझे हेल्प हेल्प चाहिए आपकी डायरेक्टर ने कहा क्या कोई आपका एम्प्लॉय होगा तो वो एम्प्लॉय को बुलाओ और यस मैं कुछ करना चाहता हूं डायरेक्टर ने कहा यस मेरा एक ऋषि ऋषि इधर सर क्या कह रहे सुनो मैंने ऋषि को कहा ऋषि कल एक ना बढ़िया ब्लेजर सिलवा यार ओके ब्लेजर सिलवा और उसमें पॉकेट अंदर जो बड़ा रख अंदर पॉकेट बड़ा रख यानी कम से कम ये जो कैलकुलेटर है ये कैलकुलेटर उसके अंदर जा सके ओके ऐसा बड़ा पॉकेट उसके अंदर स्पेशली सिलवा ऋषि ने कहा सर वो ऑड लगेगा अरे यार कंपनी पैसा दे रही है करना चुपचाप क्यों नाटक कर रहा है ओके बड़ा ख्याल अभी तेरी एक केस से इनके पचास करोड़ मैं बचा पाऊंगा ओके तू बड़ा ये क्या तो डायरेक्टर ने कहा ऋषि बड़ा एक ब्लेज़र और मैंने कहा ऋषि एक काम करना कि कल जब ऑफिसर आएगा ध्यान सुनिएगा तो मैं जो कहूंगा वो करना यानी कल यानी दो तीन दिन में जो भी है तो मैंने केस ले लिया अपने हाथ में रिप्रेजेंटेशन के लिए और मैंने ऑफिसर को कॉल किया कि सर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ उसने कहा विशाल सर ये केस आपके हाथ में? हाँ, हाँ में आया मैंने कहा हाँ ये केस हमारे हाथ में आया ओके ये केस जो है हमारे हाथ में आया तो मैंने कहा अरे विशाल सर केस बहुत क्लियर है उन्होंने फ्रॉड किया है पाँच का दस परसेंट दस का पांच परसेंट करके आ, माल बेचा है मैंने कहा सर मैं रिप्रेजेंट करने आ रहा हूँ ना ओके okay, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ जो है मैंने कहा चलो मैं आ जाता हूँ आपको रिप्रेजेंट करने नेक्स्ट डे मैंने रिक्वेस्ट किया ऑफिसर को कि सर अगर आप फैक्ट्री में आ जाओगे ऑफिस में आ जाओगे तो मैं आपको प्रॉपरली आपने जो शो कॉस पूछे है कि आ, क्यों ना दस परसेंट में क्लासीफाई किया जाए तो गलत है सर मैं पाँच परसेंट में ही जाएगा ऑफिसर आया ऑफिसर बैठा मैंने ऑफिसर को कहा कि सर ये जो है ये कैलकुलेटर जो है बड़ा कैलकुलेटर पांच परसेंट में जाएगा ऑफिसर ने कहा कैसे सर ये पॉकेट कैलकुलेटर है ऑफिसर हंसने का विशाल सर, सर आपसे ही एक्सपेक्टेशन नहीं था ये पॉकेट कैलकुलेटर कैसे सर मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ मेरा प्रेजेंटेशन रिटर्न में भी रेडी है आप ले लो अभी तो फेसलेस असेसमेंट है ओके इनकम टैक्स में और अभी जीएसटी में भी आ जाएगा ओके तो रिटर्न आपका Uh, बहुत जरूरी है कि आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कैसा देते हो उसके ऊपर आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस करना है जब आप प्रैक्टिस में आओगे तो अब मैंने कहा सर मेरा रिप्रेजेंटेशन है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है देख लो आप ओके okay, मैंने यहां पे ऋषि को बुलाया ऋषि इधर सर को यह बता कि यह कैलकुलेटर पॉकेट में कैसे जाता है मैंने कैलकुलेटर दिया ऋषि ने लिया और अपने ब्लेजर पहले ही बड़ा पॉकेट बना के और पॉकेट में डाला मैंने कहा सर सी देखिए ये कैलकुलेटर पॉकेट में जा सकता है मतलब ये पॉकेट कैलकुलेटर हुआ रेट फाइव परसेंट होना चाहिए ऑफिसर ने कहा विशाल सर ये पहले से बड़ा पॉकेट बना के लाया है तो मैंने कहा सर ये बताइए पॉकेट वर्ड इज नॉट डिफाइनिंग टेरिफ कहा लिखा है कि पॉकेट छोटा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए इतने साइज का होना चाहिए ओके टेरिफ में पॉकेट वर्ड डिफाइन ही नहीं है मैं इंटरप्रिटेशन ले सकता हूं मैं ले सकता हूं कि बड़ा पॉकेट ही पॉकेट कैलकुलेटर और ये पॉकेट में जाता है दैट्स ऑल मैं गलत कहा हूं ऑफिसर ने कहा लेकिन नो बट शट ओनली कट टू कट ये बताइए कि ये गलत का है गलत का है तो ओके ऑफिसर okay, नहीं माना मैंने कहा सर पॉकेट वर्ड डिफाइंड नहीं है टैरिफ में अब ऐसा होता है अब जिसने भी लॉ बनाया होगा उसने कहा इमेजिन किया होगा भाई उसने कहा इमेजिन किया होगा कि पॉकेट भी डिफाइन करना पड़ेगा उसकी साइज भी डिफाइन करना पड़ेगा होता है ऐसा बहुत सी बार और जीएसटी में तो 2017 से लेकर अभी तक तो ऐसा ही हो रहा है और कि जब भी कुछ उसको प्रोविजन लाती है और कि जब भी गवर्नमेंट कोई प्रोविजन लाती है तो आ, उसमें बहुत से जीएसटी तो नया लॉ है तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें कि अलग अलग इंटरप्रिटेशन आ जाते हैं पॉकेट वर्ड डिफाइन नहीं अब क्या हुआ उसने ऑफिसर नहीं, नहीं माना उसने ऑर्डर दे दी मेरे अगेंस्ट में कि आपको टैक्स देना ही पड़ेगा ओके जो भी चालीस पचास करोड़ का पेनल्टी के साथ इंटरेस्ट के साथ में भी अब मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है और मुझे जस्टिस चाहिए इनजस्टिस हुआ है और जस्टिस चाहिए कौन देगा भाई मुझे न्याय चाहिए इसके लिए पिक्चर में आता है जुडिशियल क्यों मुझे इनजस्टिस लग रहा है जब वर्ड डिफाइन ही नहीं है तो इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं मेरा भी कैलकुलेटर पॉकेट कैलकुलेटर हो सकता है तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे ध्यान से सुनिएगा ऐसे सिचुएशन में यहां पे जुडिशियल ऑर्गन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यह केस ऑर्पेट कंपनी की सुप्रीम कोर्ट तक गई थी और यह डिसीजन चालू था कि यह बिग कैलकुलेटर बॉकेट कैलकुलेटर है या नहीं है अच्छा 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 तो नो no डाउट सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ट्रेड कम्युनिटीज के व्यू लिए और एक ट्रेड अंडरस्टैंडिंग पे डिसाइड किया कि बड़ा कैलकुलेटर पॉकेट कैलकुलेटर नहीं है इसलिए वो 10 में जाना चाहिए ओके okay, ओके एक ट्रेड अंडरस्टैंडिंग okay, उसके बेस पे डिसाइड किया किया और पर सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने ने क्या पेनल्टी माफ कर दी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह फ्रॉड कहा है यह अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकलते इसलिए प्रैक्टिस यहां पर पैन निकालने में नहीं है प्रैक्टिस जीएसटी नंबर निकालने में नहीं है प्रैक्टिस है कि आप अपने क्लाइंट को जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ लॉ है उसमें कैसे बचा सकते हो बचा सकते हो और आपकी इंटरप्रिटेशन लेवल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए हम यही देखने वाले हैं ठीक है तो जहां तक देखा जाए तो यहां कोर्ट ने आखिरी में पेनल्टी वगैरह माफ कर दी लेकिन हां उसे ट्रेड अंडरस्टैंडिंग के बेस पे पॉकेट कैलकुलेटर नहीं कहा गया उसे बिग कैलकुलेटर अदर कहा गया कि भाई कोर्ट ने कहा तो टैक्स दे दे पेनोल्टी इंटरेस्ट वगैरह हम माफ कर देंगे ठीक है तो इस तरह से केस अच्छा केस सॉल्व हुआ बड़ा अच्छा था इससे हमें हमें क्या समझ में हमें ये समझ में में आया आया यह कि जुडिशियल ऑर्गन का रोल क्या है जुडिशियल ऑर्गन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको वो सॉल्व करता है ओके एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन देता है ओके तो ये तीन आधार स्तंभ है कोई भी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन करने के चलिए तो जुडिशल ऑर्गन की हिरार की लिख लो यहां पे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे ट्रिब्यूनल्स जिसको आप अपीलेट ट्रिब्यूनल कह सकते हो ट्रिब्यूनल्स कह सकते हो और उसके नीचे अपेलेट ऑथोरिटी अपेलेट ऑथोरिटी जो जनरली कमिश्नर अपील्स होते हैं कमिश्नर अपील्स इस तरह से जुडिशियल ऑर्गन की हिरार होती है ठीक है तो कोई भी बंदे को यहां पे अगर केस फाइल करना है तो सबसे पहला केस इसके पास जाएगा ओके okay, कमिश्नर अपील <coughs> उसके बाद में उससे अगर वो एग्रीव नहीं है तो वो अपील आगे फाइल कर सकता है ट्रिब्यूनल्स में ट्रिब्यूनल से वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट से जाएगा सुप्रीम कोर्ट ओके okay, और हमारा लॉ ये कहता है डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज द लॉ आई रिपीट डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये लॉ होता है और वो वो पूरे इंडिया में लागू होता है हाई कोर्ट के भी डिसीजन इंपॉर्टेंट होते हैं पर स्टेट वाइज रिस्ट्रिक्टेड होता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये एक लॉ बन जाता है डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट देता है तो आपको ये पूछता हो कि इंडिया में कितने सुप्रीम कोर्ट है <laughs> इंडिया में कितने सुप्रीम कोर्ट है कोई बता पाएगा चलो बोलो फटाफट एक ही है बेटा इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है स्टेट वाइज हाई कोर्ट होते हैं एक ही है ऐसा नहीं होता है ओके यहाँ पे एरिया वाइज सुप्रीम कोर्ट भाई पुणे में बाजूर और सुप्रीम कोर्ट फिर लक्ष्मी रोड सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं होता है एक ही सुप्रीम कोर्ट एट न्यू दिल्ली हाई कोर्ट स्टेट वाइज होते हैं और कभी कभी दो स्टेट के एक ही हाई कोर्ट होता है अपेलेट ट्रिब्यूनल ख्याल रहे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं रेवेन्यू लॉ में स्पेशली जी हो एक्साइज हो कस्टम्स हो इसमें सिविल कोर्ट के पास केस नहीं जाती है ओके okay, ये स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं और जिसे अपेलेट ट्रिब्यूनल कहते हैं और अपेलेट ऑथोरिटी कहते हैं ओके okay, तो ये अलग कोर्ट होते हैं इसलिए कभी कोई बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या जीएसटी का केस कस्टम्स का केस सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाता है क्या नहीं स्पेशल ट्रैक कोर्ट बनाए गए और ये अपीलेट ट्रिब्यूनल और अपीलेट ऑथोरिटी ये हम डिस्कस करेंगे आगे अपील चैप्टर में आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा डन आया क्या आपके समझ में यस और नो चलिए डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं तो इंडिया में पार्लियामेंट लॉ बनाने की पावर यहां सॉरी इंडिया से इंडिया लेवल पे लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट को दी है और स्टेट से रिलेटेड लॉ बनाने की पावर लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को दिया हुआ है ठीक है अब हमने सेंट्रल स्ट्रक्चर तो देखा लेकिन स्टेट स्ट्रक्चर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है चलिए अब नेक्स्ट डिस्कशन क्या है नेक्स्ट डिस्कशन ये है कि भाई ठीक है लॉ मेनली दो ऑथोरिटी बनाएगी पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट लेकिन फिर सवाल ये है कि हमारा सब्जेक्ट है जीएसटी और जीएसटी इस सब्जेक्ट पे कौन लॉ बना सकता है क्या ये सेंट्रल लॉ बनाएगा क्या ये स्टेट लॉ बनाएगा यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये सब्जेक्ट्स पे लॉ कौन बनाएगा इसके लिए गवर्नमेंट ने एक आर्टिकल बनाया हुआ है और वो आर्टिकल हम देखेंगे चलो <coughs> आर्टिकल 246 फोर्टी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 246 में शेड्यूल सेवन शेड्यूल सेवन में तीन लिस्ट दी है लिस वन लिस्ट वन कॉल्ड एज यूनियन लिस्ट लिस्ट टू कॉल्ड एज स्टेट लिस्ट और लिस लिस्ट थ्री कॉल्ड एज कॉन्करेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट डिफाइन किया है और उस सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी और कोई नहीं बनाएगा लिस्ट टू में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे दिए जिसके ऊपर ओनली स्टेट ही लॉ बनाएगा और कोई नहीं बनाएगा और लिस्ट थ्री में कुछ सब्जेक्ट ऐसे दिए जहां दोनों गवर्नमेंट लॉ बनाएगी दोनों मतलब सेंट्रल एज वेल एज स्टेट जैसे एजुकेशन सेंट्रल बोर्ड भी है स्टेट बोर्ड भी है वुमेन वेलफेयर टेररिज्म जहां सेंट्रल अपना अलग से लॉ बनाएगा और स्टेट अपना अलग से लॉ बनाएगा ऐसी टोटल तीन लिस्ट है लेकिन इन तीन लिस्ट के बारे में जानेंगे हम थोड़ा आगे ओके तो हमने यहां पे तीन आर्टिकल्स देख आर्टिकल जो कहता है लॉ बनाओ तो आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो फिर चलिए एक सवाल उठा कि लॉ कौन बनाता है तो आर्टिकल 245 कहता है अच्छा आपको यह जानना है कि लॉ कौन बनाता है तो ओके पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ये लॉ बनाते हैं उसके बाद में नेक्स्ट यहां ओके okay, uh, कौन से सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट बनाएगी लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बनाएंगे तो उसके लिए आर्टिकल 246 फोर्टी सिक्स शेड्यूल सेवन में तीन लिस्ट दी है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्फ्रेंट लिस्ट ठीक है ये हमने देखा चलिए तो अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आगे बढ़ने के पहले जीएसटी लॉ स्टार्ट करने के पहले मेरा एक डिस्कशन जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं और वो ये कि क्या ऐसा प्रॉब्लम था 2017 के पहले कि जिसके वजह से जीएसटी लाना पड़ा क्या इंडिया में 2017 के पहले के इंडायरेक्ट टैक्स अच्छे नहीं थे आपको याद होगा तो एक्साइज था वैट था सर्विस टैक्स था उसमें क्या प्रॉब्लम जा रहा था क्या जीएसटी लाने के बाद ये सारे, सारे प्रॉब्लम्स हट गए क्या जीएसटी एक इफेक्टिव लॉ बन पाया और जीएसटी की क्या मैकेनिज्म था क्या प्रिंसिपल था जिससे इंडिया को बहुत फायदा हुआ ये सारी बातें जानने के लिए थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करेंगे कि 2017 के पहले क्या सिचुएशन थी ठीक है चलिए ये टैक्स सिरार की थोड़ा मैं बाद मिलूंगा और okay, ये टैक्स सिरार की हम थोड़ा बाद मिलेंगे अब आ जाइए आप यहां पे जैसे अगर आप देखते हो तो यहां पे 2017 के पहले अलग अलग इवेंट्स पे अलग अलग टैक्सेस होते थे एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री जीएसटी का जो फ्रेमवर्क है वो समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा वो मैं आपको पुराना टैक्स कैसे था समझाना चाहूंगा जैसे इंडिया में अगर कोई मैन्युफैक्चरर है गुड्स में बिजनेस डील करने वाले दो मेजर लोग होते हैं एक मैन्युफैक्चरर जो गुड्स को बनाता है और एक ट्रेडर जो बनाए हुए गुड्स को बेचता है तो हम पढ़ रहे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो गुड्स से रिलेटेड इंडिया में कितने टैक्सेस टैक्सेस थे पहले कितने अलग अलग बटे हुए टैक्सेस थे और सर्विस से रिलेटेड कितने अलग अलग टैक्सेस थे चलो उसको हम समझ लेते हैं यहाँ पे अगर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है और मैन्युफैक्चर करके सेल भी कर रहा है फैक्ट्री है गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे यहां अगर गुड्स की प्राइस एक लाख रुपए ध्यान से सुनिएगा गुड्स की प्राइस एक लाख रुपए तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग जाती थी टेन थाउजेंड और ये एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू था भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है थी कि एक्साइज तो हमारा रेवेन्यू है हम लेंगे ये लिस्ट वन में था। लिस्ट वन में में था था तो एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू था अब उसके बाद में मैन्युफैक्चर किया इसलिए एक्साइज लगी अब सेकंड सेल कर रहे हो उसको इसलिए वैट लगता था ओके हाँ। टैक्स कुछ इवेंट पे थे और वो इवेंट को आप टच करते हो तो टैक्स लगता था मैन्युफैक्चरिंग पे एक थी सेल्स पे वैट था अब ये जो वैट जो लगता था वैल्यू एडेड टैक्स जिसे हम सेल्स टैक्स भी कहते थे ये स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू था ये स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू था और इसके ऊपर म्यूनिसपल टैक्स ऑक्ट्रा कभी नाम सुना होगा ऑक्ट्रा या एलबीटी लोकल बॉडी टैक्स भी लगाती थी तो यहां पे लोकल ऑथोरिटी भी टैक्स लगाती थी ऑक्ट्रा वगैरह यानी एक बिजनेसमैन को तीन लोग यहां पे टैक्स के लिए लूटते थे लूटना वर्ड गलत है बस एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं कि भाई तू बिजनेस कर रहा है तू गुड्स सेल कर रहा है ओके तो सेंट्रल कहता था तू कमा रहा रहा है है तुझे मिल तुझको मिला मुझको भी चाहिए मुझे एक साइज चाहिए दूसरा ओके स्टेट वाले आते थे अच्छा तू कमा रहा है तुझको मिला मुझको भी चाहिए सर ये सेंट्रल और स्टेट लड़ते हैं क्या लड़ते हैं ना बेटा पंजाब में आप आई ना और सेंट्रल में बीजेपी है तो स्टेट कहता था मुझको भी चाहिए तुझको मिला मुझको भी चाहिए और लोकल बॉडी यानी सिटी लेवल का म्यूनसिपल कारपोरेशन में आता है भाई ओके तुझको मिला मुझको भी चाहिए लोकल बॉडी टैक्स यानी तीनों अपना रेवेन्यू लेती थी ओके अब दिक्कत नहीं है तीनों अपना रेवेन्यू ले कोई दिक्कत नहीं है उसमें लेकिन सेंट्रल एक्साइज लॉ अपने हिसाब से चलता था वो तो कहता था मैन्युफैक्चर किया एक्साइज दो फिर बेचो मत बेचो फैक्ट्री में यूज करो खुद खा लो कुछ भी करो मैन्युफैक्चर दो बात खत्म तो वो उसके अलग प्रोविजंस उसके अलग रिटर्न उसके अलग फॉर्मेट उसके अलग रिकॉर्ड अलग एक्सेट्रा तो स्टेट गवर्नमेंट के ओके okay, उसके अलग रिटर्न अलग फॉर्मेट अलग कंप्लायसेस यानी एक बिजनेसमैन कंप्लायसेस में जा रहा है एक्साइज के कंप्लायंस वैट के कंप्लायंस ऑक्ट्रा के कंप्लायंस एलबीटी के कंप्लायंस कर रहा है परेशान हो रहा है परेशानी उसकी समझो सेकंड एग्जाम्पल आप देखते हो तो क्या होता था वह था था। मतलब हो स्टेट वाला नहीं सुनता था स्टेट वाला कहता था कि नहीं छोड़ो बात को ओके okay, हम हम स्टेट वाले हम तो टोटल वैल्यू पेक्साइज ऐड करके लेंगे डबल टैक्सेशन हो रहा है तो यहां पे इंडियन इंडस्ट्री तो परेशान थी ओके इंडस्ट्री तो सीधा कहती थी क्या यार तुम्हारे कंट्री में कोई एक टैक्स लगाओ ना क्या इतने अलग 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 टैक्सेस अलग अलग कंप्लायसेस अलग अलग रिटर्न सबके पोर्टल अलग ओके okay, यहाँ पे सब बटा हुआ स्ट्रक्चर था जिसमें इंडस्ट्री की कंप्लायंस कॉस्ट बहुत जाती थी और टी भा भाई चाय पानी तो अलग एक्साइज ऑफिसर्स आगे उनका चाय पानी अलग ओके वैट ऑफिसर उनको मेंटेन करो उनका चाय पानी अलग ओके okay, ऐसा तो चलता ही था ये तो मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बता रहा हूं दूसरा यहां पे सेल्स पे इंडिया में चलो एक ट्रेडिंग सेक्टर लेते हैं जो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है सेल कर रहा है तो सेल पे एक्साइज नहीं लगती थी वैट लगता था तो एक से आपने कार बेची एक लाख की कार बेची उसके ऊपर आपका वैट लग गया और वैट जो है यहां दस हजार रुपए लग गया अब सेल्स भी दो इसमें डिवाइडेड थी ओके okay, कौन से दो इसमें एक इंटरस्टेट और दूसरा ओके इंटरस्टेट okay, इंटर और दूसरा इंटरेस्टेड इंटरस्टेट इंटर सेल पे सीएसटी लगता था और इंट्रा पे जो है ध्यान सुनिएगा इंट्रा पे वैट लगता था ओके okay, सीएसटी अब मैं आपको एक बात अभी बता दूं आपके नॉलेज के लिए सीएसटी जो था ये सेंट्रल गवर्नमेंट सेल्स टैक्स लगाती थी जो आज भी कुछ गुड्स पे है जो जीएसटी के स्कोप में नहीं हम आगे बात करेंगे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी पर ये रेवेन्यू वो स्टेट को ही देती दे थी पर सीएसटी लगता था इंट्रा पे वैट लगता था और इसमें भी डबल टैक्सेशन थे तो सेल्स डिवाइडेड थी पर यहां पे गुड सेक्टर में मैन्युफैक्चर टैक्स दे रहा है यहां पे ट्रेडिंग सेक्टर टैक्स दे रहा है नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहां पे ये यह तो गुड सेक्टर हुआ सर्विसेस सर्विसेस सेंट्रल लॉ थी मतलब क्या सर्विस का सर्विस टैक्स ये पुराने सेंट्रल गवर्नमेंट का था पुराने लॉ में सर्विस टैक्स डिवाइडेड नहीं था बिटवीन uh, इंट्रा और इंटर जैसे जीएसटी में डिवाइडेड है ओके सर्विस टैक्स पे आई जीएसटी भी लगता है तो यहां पे सर्विस प्रोवाइड होता है तो उसके ऊपर सी जी और एस जी भी लगता है बस थोड़ा बहुत हिस्ट्री बता रहा हूँ सो दैट हम उसको आगे बढ़ा सके तो जहां तक देखा जाए तो आप विद इन स्टेट दो या अदर स्टेट में सर्विसेज दो जैसे मैं सर्विसेज दे रहा हूँ ओके यहाँ फेस टू फेस बैच भी चालू हो रही है तो ऑनलाइन बैच ब्रॉडकास्ट भी हो रही है अदर स्टेट में तो मुझे सर्विस टैक्स कॉमन ही लगता था उसमें कोई दिक्कत नहीं थी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू था कस्टम्स ड्यूटी ओके गुड्स पे कस्टम ड्यूटी भी लगती थी अगर कोई गुड्स इंपोर्ट हो रहा है तो उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी एडिशनल कस्टम ड्यूटीज लगती थी ओके एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो है ओके टू कॉन् टू यहां पे एक्साइज और वैट को कंपेंसेट करने के लिए आज जीएसटी के लिए लगती है हम आगे देखेंगे कस्टम ड्यूटी लग रही है उसके बाद में गुड्स पे एंट्री टैक्स ऑक्ट्रा लग रहा है सर्विस सेक्टर में इन एडिशन टू सर्विस टैक्स लग्जरी टैक्स लग रहा है हां इमोबल प्रॉपर्टी होती थी तो स्टैंप ड्यूटी लगती थी ओके स्टैंप ड्यूटी इमोबल प्रॉपर्टी पे लगती थी और ओके okay, जहां तक बेटिंग गैम्बलिंग और लॉटरी पे सेपरेट अलग अलग टैक्सेस थे इंडिया में इतना फेडरल स्ट्रक्चर था टैक्स रिलेटेड कि इंडस्ट्री को कंप्लायंस करने में बहुत दिक्कत जाती थी ध्यान सुनना इंडस्ट्री को कंप्लायंस करने में आप बहुत दिक्कत जाती थी यह सोचा गया कि क्यों ना ये सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया जाए और एक ही कंप्लायंस पे लाया जाए भाई सबका एक ही रिटर्न सबका एक ही कॉमन पोर्टल सबका एक ही कॉमन पोर्टल सबके कंप्लायंसेस एक जैसे सो दैट कंप्लायंस कॉस्ट रिड्यूस हो जाए और जो रेट डिफरेंस के वजह से वॉर हो रहा था बिटवीन सेंट्रल और स्टेट वो भी कम कर दिया जाए अरे स्टेट ही झगड़ते थे वही गुड्स का महाराष्ट्र में रेट अलग और के गुजरात में अलग तो दिल्ली में अलग तो क्यों ना ये सारे टैक्सेस को मर्ज करके वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट पे और के पूरा सिस्टम लाया जाए और इससे रिलेटेड सोचा गया जीएसटी और यहां पे सारे टैक्सेस को मर्ज करके सेंट्रल लेवल के टैक्सेस और स्टेट लेवल के टैक्सेस मर्ज करके जैसे एक्साइज ड्यूटी बहुत सारी एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज थी वो भी मर्ज कर दो ओके okay, मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन पे ये एक ही पॉइंट है मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन की सारी एक्साइज ड्यूटी एडिशनल कस्टम ड्यूटी जिसे हम ए कहते हैं आप इसको ए कह सकते हो एडिशनल कस्टम ड्यूटीज है सर्विस टैक्स है सर चार्जेस है इतने सारे सेंट्रल लेवल के टैक्सेस मर्ज कर दो स्टेट लेवल के टैक्सेस में स्टेट सीएसटी परचेस टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स जो लगता था हाँ ये लाइन को इंपॉर्टेंट करना अदर देन बाय लोकल बॉडी वो आज भी है हम थोड़ा उसके बारे में बाद में बात करेंगे लग्जरी टैक्स एंट्री टैक्स लॉटरी वेटिंग और गैम्बलिंग का टैक्स इस पर स्पेशल डिस्कशन आगे आएगा ये ध्यान रखना और बहुत सारे सर चार्जेस ऐसे छोटे बड़े सब मिला के यहां तो मैंने मेजर मेजर लिए पर छोटे जैसे ऐसे सब मिला के टू टैक्सेस थे जो सबको मर्ज कर दिया गया और जीएसटी मॉडल पर बात की गई और जीएसटी लाया गया दो में यह सब आपका इंटर लेवल पर हुआ होगा जीएसटी लाया गया दो में लेकिन जीएसटी हमने ड्यूएल मॉडल में लाया मॉडल में मतलब कि सी जीएसटी और एस जीएसटी कहते हैं ड्यूएल मॉडल और साथ में एक कंसेप्ट और ऐड किया और वो है आई जी यानी जीएसटी का सिंगल रेट नहीं है जो भी जीएसटी का टोटल रेट डिसाइड होगा वो दो इसमें स्प्लिट होगा और दो इसमें 50 50 परसेंट फिफ्टी परसेंट सी जी और 50 परसेंट एस जी और हमने सप्लाई को डिवाइड किया इंटरास्ट रेट और इंटरेस्ट रेट अगर आपका इंटरास्ट रेट सप्लाई है तो ये दो टैक्सेस लगेंगे 50 50 परसेंट ओके सी जी फिफ्टी परसेंट एसजीएसटी फिफ्टी परसेंट या यूटी जीएसटी फिफ्टी परसेंट और इंटरेस्टेट होगा तो आपका एक ही टैक्स लगेगा आई जी एस टी जिसके बारे में हम बात करेंगे और वो फुल रेट से लगेगा समझ लो आपका जीएसटी का रेट यहां पे एटीन परसेंट दिया है तो सी जी एस टी नाइन परसेंट एस जी एस टी नाइन परसेंट लेकिन अगर इंटरेस्टेट होगा तो ये फुल रेट से और ये एटीन परसेंट से आपको टैक्स लगाया जाएगा ना ये तो हमने देखे कि कौन कौन से टैक्सेस मर्ज कर दिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कौन से टैक्सेस सब्स्यूम नहीं हुए ओके okay, वो है प्रॉपर्टी टैक्स और स्टैंप ड्यूटी इमोएल प्रॉपर्टी जीएसटी के स्कोप में नहीं लाएगी आज भी इमुएबल प्रॉपर्टी अगर होता तो उसका स्टैंप ड्यूटी अलग लगता है वो जीएसटी नहीं लगता है उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल इसके ऊपर आगे डिस्कशन करेंगे वो जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ बेसिक कस्टम ड्यूटी आज भी हमें कस्टम्स एक्ट पढ़ना है बेसिक कस्टम ड्यूटी जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ ओके पेट्रोल डीजल का एक्साइज ड्यूटी हम आगे बात करेंगे ये भी जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ तो इस तरह से जीएसटी का स्ट्रक्चर बनाया गया ओके वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट पे जीएसटी का स्ट्रक्चर लाया गया तो ये हमने देखा और अब यहां से हम मोड़ लेंगे जीएसटी की तरफ तो दोस्तों जैसे हमने प्रॉब्लम देखे कि जीएसटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स थे पुराने और सॉरी जीएसटी uh, के पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स थे और यहां पे जीएसटी लाने के बाद ओके okay, इसके फायदे क्या हो और इसके बहुत सारे फायदे तो हम आगे देखेंगे मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करना चाहूंगा ऐसे और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थे कि आप सोच नहीं सकते केस है सिम कार्ड का ओके okay, बड़ा अच्छा केस है बी एस एन एल और आइडिया ने मिलकर यह केस लड़ी थी दो हजार सात की केस है सिम कार्ड जो बेचे जा रहे थे छोटा सा सिम था और तीन सौ रुपए में चार सौ रुपए में सिम कार्ड बेचे जा रहे थे वैट डिपार्टमेंट क्योंकि देखो पहले ऐसा बहुत क्लियर था कि अगर वो गुड्स है तो उसके ऊपर वैट लगेगा मैन्युफैक्चरिंग होगा तो एक्साइज लगेगा नहीं तो ऑनली वैट लगेगा और अगर वो सर्विस है तो सर्विस टैक्स सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू था अब हुआ यू कि सिम कार्ड पे डिस्कशन हो गया सिम कार्ड स्टेट गवर्नमेंट ने उसके ऊपर वैट लगाया साढ़े बारह परसेंट का और कहा कि जो आप तीन सौ चार सौ रुपए में सिम कार्ड बेच रहे हो उसकी टोटल वैट दो क्योंकि ये सेल सेल ऑफ ऑफ गुड्स है 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 सिम कार्ड ठीक कंपनी कहा कि भाई ये गुड्स है तो हम वैट दे देते हैं उसके ऊपर उधर से सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट की स्क्रूटनी हो गई और सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा डी नहीं, नहीं ये जो है ओके सिम कार्ड तो छोटी सी चिप है आप जो तीन सौ रुपए ले रहे हो तो एक्टिवेशन के ले रहे हो ये तो सर्विस है जैसा आप और मैं हम जब मैं पढ़ा रहा हूं नो डाउट हू, डोमिनेंट कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का है जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाते वक्त नोट्स हमारा है। मीडिया है ओके मैंने नोट्स भी दिए पर जस्ट मीडिया है मेन कॉन्ट्रैक्ट तो सर्विस का है तो यहां पर सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था यही बात है कि मेन कॉन्ट्रैक्ट जो है मेन कॉन्ट्रैक्ट आपका सर्विस का है सिम कार्ड तो जस्ट मीडिया है इसलिए 300-400 रुपए जो भी आप ले रहे हो उसके ऊपर सर्विस टैक्स दे दो भाई ओके okay, बात खत्म तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स दे दो अब इंडस्ट्री ने कहा यार ऐसा मत करो दो टैक्स मत लगाओ गुड्स को तो हम वैट देते हैं क्योंकि आ, यहां पे गुड्स होता है तो वैटी लगता सर्विस होता है तो सर्विस टैक्स लगता आप तो स्टेट वाले आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर वैट दो उधर सेंट्रल वाले आ रहे हैं बोल रहे हैं सर्विस टैक्स दो यानी यहां पंद्रह परसेंट का सर्विस टैक्स और साढ़े बारह परसेंट का वैट यानी ट्वेंटी सेवन परसेंट का ट्वेंटी एट परसेंट के आसपास ओके यहां पे आप टैक्स हमारे से ले रहे हो ये क्या बात हुई इधर गुड्स को या सर्विस को पर नहीं दोनों नहीं मान रहे ओके okay, वैट वाले कह रहे नहीं नहीं वो हमें सेंट्रल का नहीं पता उधर सर्विस टैक्स वाले का हमें स्टेट का नहीं पता स्टेट तो छोटे लोग हैं हम तो सेंट्रल के फंसा कौन इंडस्ट्री फंस गई यार और ये सिर्फ सिम कार्ड की नहीं सॉफ्टवेयर की भी केस थी जब सॉफ्टवेयर बनता था तो वो कहते थे डेवलपमेंट सर्विस है तो आपने डेवलप करके दिया इस पर सर्विस टैक्स दो वो वैट वाले कहते नहीं गुड से सी में दिया इसलिए उसके ऊपर आप वैट दो ऐसे बहुत सारे केसेस होते रहे परेशानी होती रही और इसमें फंसता कौन था इंडस्ट्री फिर वो सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगी वो डिसाइड करेगा कि ये गुड्स है सर्विस है ये जो प्रॉब्लम्स थे जीएसटी में हट ही गए अब भाई ये डिस्कशन कभी नहीं होगा ये गुड्स है सर्विस है गुड्स हाँ डिस्कशन तो ये केस तभी जाएगी जब रेट के फर्क हो गए जीएसटी के अदरवाइज जीएसटी में वो गुड्स हो तो चलो भाई सी जीएसटी एस लगा या सर्विस हो तो भी सी जी एस लगा अब बहुत से प्रॉब्लम जीएसटी में रिजोल्व हुए ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो जीएसटी में रिजोल्व किए गए ओके okay, इस पर भी ये डिस्कशन था चलिए तो हमने यहां और सच में कहो तो यहां पे जीएसटी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है है वो बात अलग है कि इनिशियल पीरियड में वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया वो बात अलग है पर ओके एक्सीलेंट स्ट्रक्चर आपको बताओ जितनी तारीफ करूँ जीएसटी जीएसटी फ्रेमवर्क की वो अच्छा है इंप्लीमेंटेशन अच्छे से होना जरूरी है तो ये हमने देखा कि जीएसटी लाने के क्या रीजन है और ऐसे बहुत सारे रीजन आगे मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो चलो अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमने टैक्स स्ट्रक्चर देख लिया आगे बढ़ने के पहले एक हिरारकी को समझ लेते हैं यहां पे <laughs> आप अगर थोड़ा लास्ट पेज पे आओगे सॉरी मैंने यहां टैक्स हिरार की दी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चलो इसके फटाफट पॉइंट्स लिख लो यहां पे, लिखो फर्स्ट या आपके नोटबुक में लिख लो आपके पास नोट्स नहीं होगी तो नोटबुक में लिख लो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज सुप्रीम लॉ सेकेंड इट लेस डाउन The framework of all laws, all laws of India are emanates from. constitution of india ci मतलब constitution of india चलो लिख लो फटाफट फिर आता है बेटा एक्ट भाई constitution of india ने हमें पावर दे दी कि एक्ट बना फिर एक्ट जो बनाता है ये कौन बनाता है बेटा पार्लियामेंट बनाता है देखो इट इज सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इट इज पास बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पार्लियमेंट एट सेंट्रल लेवल एंड लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट एट स्टेट लेवल ठीक है यहां पर इमिनेट्स मतलब सोर्स सब वहां की उपज है ठीक है ये इसको बोल्ड करना कि पार्लियामेंट बनाता है ये लॉ अच्छा मुझे बताओ कभी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और एक्ट इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो क्या प्रिवेल होगा आंसर चाहिए मुझे जो भी मेरे से कनेक्टेड आंसर चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और एक्ट इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो क्या प्रिवेल होगा बताइए ऑब्वियसली बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम लॉ है वो और ये उसके नीचे बनी हुई लेजिस्लेटिव बॉडी है उसके बाद में रूल्स लिखो फिर बनते हैं रूल्स रूल्स बनते हैं CG, Central Government, important, has the power to issue rules. Rules. Second, it is for proper and Effective implementation of law. Effective implementation of law. It is for proper and effective implementation of law. के बाद में रेगुलेशन सी बी आई सी हैज दावर टू इश्यू रेगुलेशंस रेगुलेशंस सेकंड ट इज फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ ये दो वर्ड को अंडरलाइन करना मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ नोटिफिकेश देखो इट इज इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेंट्रल लॉ होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट लॉ होगा तो स्टेट गवर्नमेंट ठीक है सेकंड mostly it is related to procedure procedure or exemptions exemptions from tax exemption from tax ठीक है और नेक्स्ट यहां पे सर्कुलर्स और इंस्ट्रक्शन देखो इट इज इश्यूड बाय सी बी आई सी इट इज इश्यूड बाय सी बी आई सी सेकेंड इट इज इश्यूड As a direction or instruction, direction or instruction in the area, in the area where law is ambiguous ambiguous and has lack of clarity clarity third It is issued to maintain uniformity. Uniformity in law or agar space ogi thek point or it is binding. Only on department, it is binding only on department, it is binding only on department. आई होप आपने लिख लिया होगा अगर किसी बंदे ने नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है चलिए बेटा तो यस ये डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद ठीक है अब आ, मैं आपको ये बता दूं मैं बार बार नहीं कहूंगा अगर जो लाइव स्ट्रीम मेरे साथ क्लास कर रहे हैं ब्रेक मतलब सेशन रिमेनिंग सेशन अब इवनिंग में होगा और जो बाद में ऑनलाइन डाउनलोड में या पीडी में मुझे देख रहे हैं तो मैं ये कह दूं कि यहाँ पे वो कंटिन्यूटी में ये सेशन करें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जब आप ऑनलाइन डाउनलोड और पीडी में देखते हो तो इसमें डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है जितना ज्यादा आप डिसिप्लिन रखोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा और इन वन सिटिंग आपने सेशन खत्म करना है तो ही आप विद इन टाइम क्लासेस कंप्लीट कर पाओगे अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाओगे जो सी ए फाइनल में बहुत जरूरी है ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आफ्टर ब्रेक थैंक यू यस आपके कोई डाउट्स क्वेश्चंस है बेटा तो पूछ सकते हो आज का सेशन ठीक लगा यही स्पीड होगी हमारे ये, हो ये कोर्स में सबको ठीक लगा आज का सेशन और ये बेसिक है पहले एक दो सेशन बेसिक ही रहेगा इवनिंग हमारा सात बजे होगा सेवन सेवन टू एट थर्टी लिंक क्रिएट किया हुआ है बेटा सेवन टू एट थर्टी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ये सेशन में तो आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स में हम यही स्पीड में चलेंगे डोंट वरी धीरे धीरे थोड़ी बहुत स्पीड और बढ़ेगी लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा स्लाइटली और बढ़ सकती है आज तो पहला सेशन था ओके okay. हाँ आज का सेशन पूरा दोनों सेशन को कंबाइन करके कल मॉर्निंग में अपलोड होगा बुक्स आस वैभव भाई थोड़ा पेशेंस रख बुक्स डिस्पैच हो जाएगी बेटा ये आईडीटी नहीं 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 रेगुलर तो दोनों है क्योंकि सुपर थर्टी फाइव कोर्स ही मैंने बंद कर दिया अब दोनों रेगुलर है सिर्फ एक डिजाइन इनडेप के हिसाब से और एक डिजाइन एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से है ये आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड दोनों इसी तरह से पढ़ाए जाएंगे पर इनडेप में थोड़ी अच्छी खासी हिस्ट्री होती है प्रैक्टिकल केसेस होती है क्लासेस यस दो टाइम में होगी मॉर्निंग और इवनिंग जिसको लाइव स्ट्रीमिंग करना है उनको ये करना पड़ेगा अदरवाइज आप डाउनलोड करके देख सकते हो योगेश ये आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है पर इट्स अ रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड आपको डिफरेंस जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप डिफरेंस जान सकते हो यूट्यूब पे तीन से चार सेशन हो गए और सभी स्टूडेंट्स यहाँ टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर ले बेटा मेरी रिक्वेस्ट है क्योंकि सारे अपडेशन आपको टेलीग्राम लिंक में आएंगे जो आपको आपके लॉग में मिलेगा और किसी ने अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिया है <laughs> रियल में कंसल्टेंट कौन था? था बेटा आप नहीं जानते हो मैं नहीं था रेगुलर इंडेप तो रिकॉर्डेड है बेटा वो लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं है रेगुलर इनडेप्थ ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है वेबसाइट पे वो रिकॉर्डेड है चलिए